वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग. प्लीज बैठिए. हंड्रेड पेज नंबर 114. चैप्टर हमारा है कौन सा? कंपोजिशन स्कीम. चैप्टर कंपोजिशन स्कीम. लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था, कुछ पार्ट अभी रहता है. तो पेज 114 तो हो गया था, है ना? 115 भी हो गया था. 116 में पॉइंट नंबर 16 तक हुआ था, है ना? 17 पॉइंट और एक बार बता देता हूँ, फिर 16 को और 17 को मिक्स करके बता दूंगा, क्योंकि दोनों मिक्स हैं. जो 16 पॉइंट मैंने बताया था ना आपको, 17 भी उससे कनेक्टेड है. तो पहले 17 रीड कर देता हूँ, फिर 16-17 को मिला के बता दूंगा. 17 नंबर पॉइंट देखिएगा. अच्छा, 17 से पहले नीचे एक डेफिनेशन है, 2 ब्रैकेट 112 की. ये देखो, 2 ब्रैकेट 112 की, टर्नओवर इन स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाईज और विच टैक्स इज पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एंड एग्जम्प्ट सप्लाईज मेड विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय अ टैक्सेबल पर्सन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ मेड फ्रॉम द स्टेट यूनियन टेरिटरी बाय द सेट पर्सन एंड एक्सक्लूड्स सेंट्रल सेल टैक्स स्टेट टैक्स यूनियन टेरिटरी टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस. ये एक बार रीड कर लो, फिर हम बात करेंगे पूरी. अच्छे से रीड करना. ये रीड करने के बाद मैं इसमें से आपसे पूछूंगा कुछ पार्ट जो आपको बताना है. एक बार अच्छे से रीड कर लो. देखिए, अब इसका मीनिंग देखो. मेरी दो ब्रांचेज हैं, एक दिल्ली में एक यूपी में. इसमें टर्नओवर है 70 लाख, इसमें टर्नओवर है 60 लाख. तो मेरी एग्रीगेट टर्नओवर कितनी बनी? दिल्ली में 70, यूपी में 60, 130 एग्रीगेट टर्नओवर. कौन सा सेक्शन था? 2 ब्रैकेट 6, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर. तो मैं इसका मतलब कंपोजिशन स्कीम में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता? आ सकता हूँ. तो फिर मुझे कंपोजिशन स्कीम में टैक्स देना पड़ेगा 1%. किसका? एग्रीगेट टर्नओवर. बस यही मुझे करेक्ट करना है. जब हम टैक्स देते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर पे नहीं देते, हम स्टेट टर्नओवर पे देते हैं. और कंपोजिशन स्कीम में आएंगे नहीं आएंगे तो देखते हैं एग्रीगेट टर्नओवर. तो लास्ट क्लास वाला ये वाला भी मिक्स होगा. पहले मिक्स हो जाने दो, फिर मैं सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है. मैं कंपोजिशन स्कीम में आऊँगा नहीं आऊँगा, क्यों, फैसला किससे होगा? एग्रीगेट टर्नओवर पे. और जब मैं टैक्स दूंगा, मैं टैक्स एग्रीगेट टर्नओवर पे नहीं दूंगा, मैं टैक्स स्टेट टर्नओवर पर. क्यों? दिल्ली के अंदर इस पे दूंगा, यूपी के अंदर इस पे दूंगा, ये अलग दूंगा, ये अलग दूंगा, ये अलग कैलकुलेट, ये अलग कैलकुलेट, ये इस स्टेट की टर्नओवर से कैलकुलेट, इस स्टेट की टर्नओवर से कैलकुलेट. तो स्टेट की टर्नओवर यहाँ काम आएगी और एग्रीगेट टर्नओवर यहाँ काम आएगी, करेक्ट. ये डिफाइन कौन से सेक्शन में किया है? 211, ठीक है, 2 ब्रैकेट 112. और ये किसमें? 2 ब्रैकेट 6, और ये 2 ब्रैकेट 112. तो स्टेट की टर्नओवर 2 ब्रैकेट 112, एग्रीगेट टर्नओवर 2 ब्रैकेट 6. एग्रीगेट टर्नओवर कहाँ काम आएगी? डिसाइड करने के लिए कमीशन स्कीम में आएगा कि नहीं आएगा. ये कहाँ काम आएगी? टैक्स देने के लिए. तो जब मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, जब तक अनरजिस्टर्ड हूँ, वो टर्नओवर जो मैं लास्ट में से बात की थी, तो कौन से वो टर्नओवर इसमें तो इंक्लूड होगी. मैंने पहले आपको एक्सक्लूड बोला था, बाद में बोल दिया इंक्लूड होगी, लेकिन इसमें एक्सक्लूड होगी. तो एक में इंक्लूड है और एक में एक्सक्लूड है. इंक्लूड किस में है? इसमें.
एक्सक्लूड इसमें, जैसे मैं दोनों जगह अनरजिस्टर्ड था, दोनों जगह मैंने काम स्टार्ट किया 1/4/23 से, ठीक है 1/4/23 से, और यहाँ 30 लाख हुआ, यहाँ 10 लाख हुआ, 40 लाख होने पर मैंने फिर क्या किया, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, करेक्ट। अब मैं जब टैक्स देने लगूंगा तो ये 30 लाख मुझे छोड़ देना है, बचे 40 लाख पे देना है, और ये 10 लाख छोड़ देना, बचे 50 लाख पे देना, जबकि यहाँ पर ये 10 और 30 भी आएगा। ये डिसाइड करने के लिए मैं स्कीम में आऊँगा नहीं आऊँगा, सारी टर्नओवर आएगी, इंक्लूड दिस 40 ऑल्सो व्हेन यू आर अनरजिस्टर्ड, एंड व्हेन यू आर पेइंग टैक्स एक्सक्लूड दिस वन, करेक्ट। तो ये पार्ट हमने लास्ट पर्सन में डिस्कस, ये अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो वो जो इंक्लूड एक्सक्लूड वाली बात थी वो क्या थी, मैंने कहा था इसमें से एक्सक्लूड कर देना, फिर बाद में ठीक करा दिया इसमें इंक्लूड, वो एक्सक्लूड किसमें है, वो इसमें है, एक में एक्सक्लूड है और एक में इंक्लूड है। तो ये बात एक्सक्लूड इंक्लूड 2(1)(2) में तो लिखी नहीं हुई, तो गवर्नमेंट ने कहा ये जनरल डेफिनेशन है, स्टेट टर्नओवर इन स्टेट कंपोजिशन के लिए मॉडिफाइड है, वो मॉडिफाइड भी मैं रीड करवाऊंगा, उस मॉडिफाइड में लिखा हुआ है ये एक्सक्लूड कर देना। जो पहले टर्नओवर जो डेफिनेशन आई थी स्टेट की नॉर्मल, उसमें ये नहीं था, तो उसमें लोगों को इस पर टैक्स देना पड़ रहा था, या कह दो कन्फ्यूजन थी, तो गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा, गवर्नमेंट का देना सब पे, फिर गवर्नमेंट का नहीं देना, अलाओ आपके लिए नई डेफिनेशन बना देते, बस जो कंपोजिशन स्कीम के लिए अभी मैं दोबारा रीड करूँगा उसमें इसमें डिफरेंस नोट करना, क्या डिफरेंस आएगा, उसमें लिखा होगा दिस विल बी एक्सक्लूडेड, और एग्री टर्न ओवर में क्या लिखा है, दिस विल बी इंक्लूडेड। और रही बात इंटरेस्ट लोन का, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, कहीं नहीं आएगा। और जो नॉर्मल डेफिनेशन है एग्री टर्न ओवर की, उसमें लिखा है आएगा, तो ये मॉडिफाइड है, मैंने बताया एग्रीगेट टर्न ओवर मॉडिफाई किया है कमीशन के लिए, क्या मॉडिफाई किया है, ये क्लैरिफाई कर दिया अनरजिस्टर्ड का आएगा, क्लैरिफाई कर दिया इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये वाली भी मॉडिफाई कर दी कि जो नॉर्मल डेफिनेशन है चेंज क्या कर लेना, अनरजिस्टर्ड को छोड़ देना, अनरजिस्टर्ड का टर्न ओवर, इंटरेस्ट को छोड़ देना, बाकी टैक्स दे देना। तो अब ये मॉडिफाइड मैं अब आपको रीड करवाता हूँ, फिर आप बाद में क्या करना, ये दोनों ओरिजिनल पढ़ लेना और दोनों की मॉडिफाइड पढ़ लेना, टोटल 4 डेफिनेशन बन जाएंगी, ठीक है। तो देखो आप, आपके सामने कितना कन्फ्यूजन है, ये लॉ नहीं है, ये घर का कानून है। लॉ जो होता है वो जनरल होता है, ऐसा नहीं बोलते इसमें ये कर देना उसमें वो कर देना इसका ये कर लेना उसका, ये लॉ नहीं होता। ये जिसने बनाया लॉ उनको लॉ कैसे बनता है उसकी नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज जो लॉ बनाने वाले लोग हैं वो हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस, उनको पता है लॉ कैसे बनता है, वो ये उन्होंने थोड़ा बनाया। तो जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल में कौन है, सारी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल यानी पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन को क्या पता भाई लॉ कैसे बनता है, उसका तो घर का कानून है, इसमें ऐसा करो ऐसे कर दो, इसमें ऐसे करो ऐसा कर दो, उसमें ऐसे करो ऐसे कर दो, और जो एक्सपर्ट बैठे हैं कोई नहीं बोलता भाई मिनिस्टर है नाराज नहीं हो जाए, कर दो यार अपना क्या ले रहा है, अपने आप टीचर और बच्चे क्लास में लगे रहेंगे, वो उनको समझाते रहेंगे, उनको समझाते रहेंगे, बचे हुए डाउट जल्द पूछ लेगा, ठीक है। अब आप आराम से रीड कर लो, तो मैं अब आपको मॉडिफाइड डेफिनेशन रीड करवाता हूँ, पॉइंट नंबर 17 में, पॉइंट नंबर 17 में मैं मॉडिफाइड रीड करवा रहा हूँ, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमिनिंग द टैक्स पेबल, टर्नओवर इन स्टेट किस लिए काम आती है, टैक्स पेबल निकालने के लिए, एग्रीगेट टर्नओवर किस लिए काम आती है, एलिजिबिलिटी निकालने के लिए कि भाई ये एलिजिबल भी है कि नहीं है, अंडरलाइन कर लो टैक्स पेबल, फॉर डिटरमिनिंग फॉर द पर्पज डिटरमिनिंग टैक्स पेबल, अंडरलाइन कर लो टैक्स पेबल, ये टर्नओवर किस लिए काम आती है, टैक्स पेबल। बाई परसेंट दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन टर्नओवर इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी शैल नॉट इंक्लूड, ये मॉडिफाई कर दिया, क्या नहीं आएगा, जब तक आप अनरजिस्टर्ड थे, सप्लाईज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ फाइनेंशियल ईयर अप टू द डेट व्हेन सच पर्सन बिकम लायबल फॉर, ये इंक्लूड नहीं करना, और ऊपर एग्रीगेट में करना है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट है वो नहीं लेना, एग्जम्प्ट सप्लाई सर्विस प्रोवाइड बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट लोन एडवांसेस ओवर एजेंसी डे, बस इतना रीड करना, इसका एग्जाम्पल अभी मत रीड करना, मैं एग्जाम्पल में कुछ और करवाऊंगा फिर एग्जाम्पल रीड करेंगे। तो यानी आप दो ओरिजिनल डेफिनेशन पढ़ लो और दो मॉडिफाइड पढ़ लो, 16 पॉइंट द्वारा पढ़ लो सारा, 17 पॉइंट पढ़ लो, 17 पॉइंट का एग्जाम्पल अभी नहीं पढ़ना, उसमें कुछ रजिस्ट्रेशन का पार्ट में बताऊंगा अभी आपको, और ओरिजिनल डेफिनेशन जो दे रखी है 2 112 2 6 वो पढ़ लो, आराम से
आंसर मिनट लगा लो, अच्छे से डाइजेस्ट कर लो। हाँ जी प्लीज़, अब जिसको डाउट है बोलो, अब जिसको डाउट है बोलो बोलो। अच्छा, पॉइंट नंबर 16 में कि 17 में, और 17 वाले में भी है। देखो भाई, एक पॉइंट देख लो आप, 17 का पॉइंट नंबर 2, एग्जेम्प्ट सप्लाई सब्सिडी प्रोवाइड बाय एक्सटेंडेड डिपॉजिट लोन और सो फार एज कंसीडर डिपेंडेंटेड बाय इंटरेस्ट फॉर डिस्काउंट। जयंत कह रहा है इसमें कुछ समझ में नहीं आया, इंटरेस्ट नहीं समझ में आया या डिस्काउंट नहीं समझ में आया? नहीं, डिपॉजिट पे तो इंटरेस्ट ही होता है, उसमें क्या समझोगे? आपने बैंक को डिपॉजिट दिया तो बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट? क्या बैंक उस पर GST चार्ज करेगा? नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट को एग्जेम्प्ट कर दिया, तो इंटरेस्ट में डाउट थोड़ा है, डिस्काउंट में डाउट हो सकता है या इंटरेस्ट में भी है। इंटरेस्ट में आप पूरा इंटरेस्ट लो, कोई डाउट नहीं है, डिस्काउंट भी है। देखो, मैंने FD बनवाई, FD स्टेट बैंक में 5 लाख की, बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया मान लो 20,000 का, तो इंटरेस्ट कोई भी किसी को देगा लेगा, कोई GST नहीं है। तो बैंक मुझे 20,000 का इंटरेस्ट देगा तो क्या बैंक साथ में GST लगाएगा? नहीं, क्योंकि हमने कहा इंटरेस्ट के ऊपर GST नहीं लगता। तो इसमें साथ में कन्फ्यूजन और क्या आ गया, और डिस्काउंट, इसमें लिखा डिस्काउंट पे भी नहीं लगता, तो डिस्काउंट कन्फ्यूजन हो गया। डिस्काउंट का मैं बताता हूँ, डिस्काउंट नहीं है, ये इंटरेस्ट ही है। देखो कैसे, बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको बड़ी अच्छी नॉलेज होगी बिल ऑफ एक्सचेंज, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, उस डिस्काउंटिंग की बात कर रहे हैं। वो डिस्काउंट नहीं, 1,000 रुपये की चीज़ है माइनस कर दिया उसकी बात नहीं कर रहे, डिस्काउंट बिल ऑफ एक्सचेंज। तो डिस्काउंटिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे पेमेंट मिलनी है 30 अप्रैल 2024 को, और पेमेंट मुझे आज ही चाहिए, आज है 1/4, आज है 1/1/24 मान लो, तो मैं बैंक में जाऊँगा कि जी देखो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है 10 लाख का, मुझे पेमेंट मिलनी है, या मुझे तो पेमेंट आज चाहिए, आज बताओ कितना दे दोगे? तो बैंक में डिस्काउंट करके देंगे, हम आपको 9 लाख दे देंगे। तो 9 लाख बैंक ने कैसे कैलकुलेट किया, इस पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया। बैंक डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे निकालता है, इंटरेस्ट से निकालता है।
बैंक ने ये कैलकुलेट कर लिया भी ये पैसा 4 महीने बाद मिलेगा, आज मांग रहा 4 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके माइनस करके दे दो। तो मान लो इंटरेस्ट मैंने 1 लाख माइनस कर दिया, तो गवर्नमेंट से ये वाला जो डिस्काउंट है ये भी तो इंटरेस्ट ही है, इसके ऊपर कोई GST नहीं लगेगा। तो ये जो इंटरेस्ट वाली एंट्री है ये एंट्री बाद में आएगी, डिटेल में एंट्री है लिखी हुई, मैंने अभी बीच में एक सेंटेंस बोला है इंटरेस्ट पर नहीं लगेगा। इंटरेस्ट के साथ पूरी बात क्या है, वहाँ पे वर्ड डिस्काउंट भी लिखा हुआ है। डिस्काउंट का मीनिंग ये है, वो मैं पूरी की पूरी एंट्री अभी आपको रीड करवा देता हूँ। इसके आगे और भी है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड उसकी पेमेंट का जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर GST लगेगा, है तो वो भी इंटरेस्ट उनसे नहीं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहे हम, उसके ऊपर अगर आप लेट पेमेंट करोगे इंटरेस्ट है उस पर GST लगेगा, डिस्काउंट पर नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पर नहीं लगेगा। वो पूरी एंट्री कहीं लिखी हुई है, मैं पूरी एंट्री करवा देता हूँ आपको, फिर ये डाउट ही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका रेफरेंस आगे भी आएगा। अभी गुड्स की डेफिनेशन आएगी, सर्विसेज की डेफिनेशन आएगी, कंसल्टेशन की डेफिनेशन आएगी, उनमें पार्ट फिर द्वारा द्वारा लोट लोट के आएंगे, बार घूमते रहेंगे पूरे GST के अंदर ये। तो पूरी एंट्री रीड करवा देता हूँ, उसके साथ 5-6 इलस्ट्रेशन हैं वो भी करवा देता हूँ, तो ये डाउट फिर कभी आएगा ही नहीं। ठीक है जयंत जी, करवा दो ना पूरी एंट्री, देखो पूरी एंट्री करा देता हूँ बीच में। पेज नंबर 321, पॉइंट नंबर 12, टॉप पे दे रखा है। देखो एक एग्जांपल मैं और आपको बता दूं कि जैसे हम कहते हैं भाई किसी को डाउट है तो पूछ लो, है ना। तो एक तो वो बात भाई जो दो बार बता दी उसी को सर दोबारा रिपीट कर दो, वो डाउट नहीं होता, वो तो मतलब सर हमने सुना ही नहीं ना, बोलते रहो हमारा क्या जा रहा है। डाउट इसे कहते हैं जो इन्होंने पकड़ा डिस्काउंट की बात, ना तो मैंने बताई, तो जब मैंने नहीं बताई तो गलती किसकी है, मेरी है ना, मुझे बताना चाहिए, और वो आपने पकड़ ली, दैट इज़ कॉल्ड द रियल डाउट। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्वेरी, ये बोलते हैं। और जब इन्होंने पूछा, सारे स्टूडेंट का रिस्पॉन्स ये था हाँ भाई बात तो सही है, और मेरा रिस्पॉन्स भी ये था हाँ भाई बात तो सही है, इसको डाउट बोलते हैं। तो जो भी पूछे डाउट ऐसे पूछो जिसको सारी क्लास आपके साथ हो जाएगी, टीचर भी आपके साथ हो जाएगा, और आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस सबको नजर आएगी, हाँ ये है भाई बंदा पकड़ लिया डिस्काउंट वर्ड, बताया नहीं तरने। तो ये आपकी डाउट जो थी ना आज की, मार्वेलस डाउट ऑफ द डे डिस्काउंट, ठीक है। अब इसको तो ऐसे डाउट पूछो मतलब बताने वाले कोई मजा आए और बाकी सबको ही मजा आए कि हाँ यार ये है डाउट, देखो डिस्काउंट, मैंने भी बताया नहीं था, मैंने इसलिए बताया, मैं जब मेन एंट्री आएगी तब बता दूंगा, अभी बताता हूँ। देखो पेज 321, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, भाई इंटरेस्ट तो इन्हीं में होता है ज़्यादातर। तो सर्विसेज बाय एक्सटेंडिंग बॉडी लोन एडवांसेस इन सो फार इज कंसीडर्ड रिप्रेजेंटेड बाय इंटरेस्ट और डिस्काउंट। अगर आप कोई लोन लेते देते हो, डिपॉजिट लेते देते हो, उसका जो इंटरेस्ट है उस पर हमने GST माफ कर दिया। इसी तरह से अगर डिस्काउंट है, डिस्काउंट मतलब बिल डिस्काउंटिंग, वो भी बेसिकली इंटरेस्ट होता है, छोड़ो उसको। लेकिन क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे हम, अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व्ड इन द क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड में तो खैर हमारी अकाउंट से ही पैसे जाता है, इंटरेस्ट का मतलब नहीं है, क्रेडिट कार्ड में जाता है। इसके साथ फिर एक एंट्री और लगा दी, इंटर से, इंटर से मीन्स आपस में, सेल परचेज फोन कंसीम अमंग बैंक्स और ऑथराइज फॉर डीलर्स ऑफ फॉरन एक्सचेंज और अमंग बैंक्स एंड अदर डीलर्स। अगर बैंक आपस में फॉरन एक्सचेंज एक दूसरे को बेचते हैं, उसमें फॉरन एक्सचेंज में कमीशन होता है, उस कमीशन के ऊपर भी आपका GST नहीं लगेगा। फिर इंटरेस्ट को डिफाइन भी कर दिया, भाई इंटरेस्ट क्या होता है, कोई ऐसे पूछ ले वो कहेगा जी इंटरेस्ट क्या होता है, मुझे तो पता नहीं, मुझे बताओ, लॉ में अंडरस्टूड कुछ होता नहीं। तो उन्होंने इंटरेस्ट को डिफाइन भी कर दिया, इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनी बोरोड और डेट इंकर्ड इंक्लूडिंग ए डिपॉजिट क्लेम और अदर सिमिलर राइट और ऑब्लिगेशन बट डज नॉट इंक्लूड एनी सर्विस फी और अदर चेंज अदर चार्ज इन रेस्पेक्ट ऑफ द मनी बोरोड और डेट इंकर्ड और इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी क्रेडिट फैसिलिटी विच हैज़ नॉट बीन यूटिलाइज। इतना रीड करो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो पहली बात तो ये होगी, लोन हो या डिपॉजिट हो,
99% इंटरेस्ट उन्हीं का होता है, तो ये तो एग्जम्प्ट हो गया। डिस्काउंट है, एग्जम्प्ट हो गया। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट है, टैक्स हो गया। ठीक है, फिर एक इंटरेस्ट पहले हमने डिस्कस किया है जिसका नाम था एडिशनल कंसिडरेशन। ध्यान आ गया, सामान बेचा है, पेमेंट लेट आई है, उसका इंटरेस्ट है, उसका नाम क्या था? एडिशनल कंसिडरेशन। ये भी टैक्सेबल है। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब रही बात फॉरन एक्सचेंज की, कुछ बात फॉरन एक्सचेंज की भी आ रही है, तो फॉरन एक्सचेंज के लिए फॉरन एक्सचेंज का सिस्टम समझना पड़ेगा, तो फॉरन एक्सचेंज की बात आएगी। वरना मैं इतना भी बता सकता हूँ कि फॉरन एक्सचेंज में कमीशन होता है, याद कर लो, उस पर GST लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा जब बैंक आपस में करेंगे। पब्लिक को बेचेगा बैंक फॉरन एक्सचेंज तो लगेगा, आपस में नहीं लगेगा। लेकिन मैं पूरी बात बताता हूँ आपको, कौन सा कमीशन, कैसे कमीशन कैलकुलेट होता है। सी दिस पार्ट। RBI सेज वी आर द सोल कस्टोडियन ऑफ फॉरन एक्सचेंज ऑफ दिस कंट्री। जिसको चाहिए हमसे बात करो, ठीक है, हम देंगे। और अगर आपके पास है तो हमें दो, आप घर में नहीं रख सकते। मान लो मेरे फ्रेंड ने, रिलेटिव ने मुझे $1,000 भेजे हैं, मैं कह रहा हूँ मुझे भेजे, मैं रखूँगा, गोम से नहीं, आप नहीं रख सकते, आप हमें दो, बदले में इंडियन करेंसी ले लो। नो वन इज अलाउड टू सेल, नो वन इज अलाउड टू परचेज, नो वन इज अलाउड टू स्टोर, नो वन इज अलाउड टू स्टोर इन फॉरन एक्सचेंज एनी मैनर इन दिस कंट्री गिवन इन फॉरन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, क्लियर हो गया? अब मुझे चाहिए फॉरन एक्सचेंज, मैं जा रहा हूँ अमेरिका, सिलेबस छोड़ के आपका, बाकी आके करवाऊँगा, 2 महीने बाद आऊँगा, मैं जा नहीं रहा, मैं तो यही हूँ। तो मैं जा रहा हूँ US से, मुझे चाहिए फॉरन एक्सचेंज $1,000। ठीक है, $80 का $1 है, ₹80,000 मेरे पास कैश है जी, कोई मुझे डॉलर दे दो, तो कहाँ से मिलेंगे मुझे? तो मुझे RBI जाना पड़ेगा। RBI से ऐसे पब्लिक हमारे पास आएगी तो लाइन लग जाएगी पब्लिक की, हम रिटेल काम थोड़ा करते हैं, हम तो होलसेल का काम करते हैं। चलो ऐसा करो, हमने सारे बैंक्स को अथोराइज कर दिया, बस तुम वहाँ चले जाओ। अथॉरिटी मिलनी चाहिए RBI से, वो डील कर सकता है। इनको क्या बोलते हैं? अथोराइज्ड डीलर या फॉरन एक्सचेंज ब्रोकर या मनी चेंजर। अलग अलग अथॉरिटी मिलती है, जिसको सबसे ज़्यादा अथॉरिटी है उसको अथोराइज डीलर बोलते हैं, हर टाइप का ट्रांजेक्शन कर लेगा। मनी चेंजर तो खाली एक्सचेंज करेगा, फॉरन एक्सचेंज ब्रोकर थोड़ा बहुत काम करेगा, ज़्यादा काम अथोराइज डीलर, सारे बैंक अथोराइज डीलर है। तो मैं पहुँचा स्टेट बैंक कि जी मुझे डॉलर चाहिए, तो स्टेट बैंक क्या करेगा? RBI से पूछेगा, हाँ भाई क्या रेट लगाना है, रेट RBI बताएगा। RBI ने कहा हम तुम्हें ऐसा करेंगे, ₹80.50 के रेट पे तुम्हें दे देंगे, हमसे खरीद लो, और तुम इन्हें ₹81 के रेट में बेच दो, $0.50 per dollar तुम्हारा कमीशन है। वरना बैंक कहेगा मुझे क्या फ़ायदा भाई तुमसे लेके, मैं इनको दे दिया, बेकार सारा दिन मेरा ख़राब करो, मुझे क्या मिलता। तो RBI से तुम्हें कमीशन मिलेगा 50 पैसे। मैंने एग्जाम्पल लिया से 10-15 पैसे ही होता है, 50 पैसे मान लो। हमसे खरीदो कितने में? ₹80.50 में। इसको बोलते हैं RBI रेफरेंस रेट। रेफरेंस रेट मतलब जो RBI का और बैंक्स का आपस का रेट है, RBI रेफरेंस रेट, और फिर बैंक इनको बेचेगा, ये बैंक का कहलाता है सेलिंग रेट। सेलिंग रेट तो बैंक मुझे कहेगा देखो जी सेलिंग रेट है ₹81, लेना तो बोलो। तो बैंक इससे RBI रेफरेंस रेट पे RBI से लेके दे देगा, ₹50 per dollar प्रॉफिट हो गया, करेक्ट। अब एक US का एक सिटीजन आया बेचने के लिए, मैं तो खरीदने के लिए गया था, वो बेचने के लिए आया, तो RBI से इससे ₹80 में खरीद लो और ₹80.50 में हमें बेच दो, फिर 50 पैसे बच गए। जितना बेचने पे कमीशन है उतना खरीदने पे है, खरीदो कम में, बेचो ज़्यादा में, बेचो 81 में, खरीदो 80 में, एवरेज क्या होगा? RBI रेफरेंस रेट। बेचने में भी उतना बचेगा, सेल करने में भी उतना बचेगा, खरीदने में बेचने दोनों भी उतना बचेगा। पहले इस बात को समझ लो, करेक्ट और नॉट। सेलिंग रेट जिस रेट पे बैंक बेचता है, बैंक के हिसाब से होता है सेलिंग बाई। मेरे हिसाब से तो बाइंग है, मैं तो खरीद रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं, बैंक के हिसाब से सेलिंग बाइंग बोलते हैं। मैं कहता हूँ सेलिंग, सेलिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? एक के पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग होगी तो एक के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइंग होगी, करेक्ट और नॉट? दो बंदे तो होंगे सेलर बायर। तो जब भी हम सेलिंग बाइंग बोलते हैं बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, बैंक इज सेलिंग, बैंक इज बाइंग, बैंक इज सेलिंग एट ए हायर रेट, बैंक इज बाइंग एट ए लो रेट, रेट इज गिवन बाय RBI, और दोनों का एवरेज का कहलाता है RBI रेफरेंस रेट। खरीदो 80 में, बेचो RBI को 80.50 में, खरीदो बैंक RBI से 80.50 में, बेचो इनको 81 में, करेक्ट। अब लेट्स सी पंजाब नेशनल बैंक को जरूरत पड़ गई, तो पंजाब नेशनल बैंक ने स्टेट बैंक से बात की भी तुम्हारे पास है फालतू? नहीं है तो मैं RBI से ले लूँगा, इनको आपस में सेल करना। तो स्टेट बैंक ने कहा हाँ है फालतू, ले लो हमसे। तो हमसे कमीशन कितना लोगे? पब्लिक से तो 50 पैसे लेते हो जी, तुमसे 30 रुपये ले लेंगे और क्या,
30 पैसे ले लेंगे, क्योंकि कल को तुम्हारे पास ज़्यादा हुआ तो हम भी तुम्हें, जैसे मान लो दो दुकानदार बराबर बराबर हैं, कस्टमर से दोनों दुकानदार 50 रुपये का प्रॉफिट लेते हैं, अब एक दुकानदार पे सामान ख़त्म हो गया, कस्टमर बैठा हुआ है, तो दुकानदार कस्टमर को क्या बोलता है हमारे पास सामान जबकि नहीं है, बैठो अभी रहते हैं, वो पिछले गेट से जाएगा दूसरे दुकानदार के पास कि यार देख मुझे सामान दे दे, तुझे तो पता है हम दोनों 80 रुपये में खरीद के लाते हैं, बेचते दोनों 80-50 में हैं, तुम उसे कमीशन ले ले, प्रॉफिट 10-20 थोड़ा कम कर ले, तो आपस में ये होता है, करेक्ट और नॉट, ये तो होगा ही आपस में। तो ऐसे ही अथॉराइज डीलर आपस में सेल परचेज करना इनको अलाउड है, आपस में कमीशन अलाउड है, आरबीआई से वो हमें नहीं पता, तुम देख लो कितना लेना है, कम लेते हैं। तो ये जो 50 पैसे का कमीशन था इसके ऊपर जीएसटी लगेगा, हमने 80 रुपये 50 पैसे में खरीद के 81 रुपये में बेचा तो 50 पैसे के ऊपर जीएसटी भी चार्ज करना है, बिकॉज ये आपकी अर्निंग है। तो यहाँ जो 30 पैसे चार्ज किए बैंक से उस पर भी करना, गोल से छोड़ो माफ़ किया, उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा। आपस में डील करोगे कोई जीएसटी नहीं है, पब्लिक से डील करोगे तो जीएसटी है। तो अब ये पॉइंट अगर हमारे सिलेबस में डाला है आईसीआई ने, तो आईसीआई को फिर पूरा सिस्टम ही डालना चाहिए। तो पूरा सिस्टम किसी का नहीं है, सबका एक एक सेंटेंस है, उस एक एक सेंटेंस के पूछे पूरी पूरी कहानी है, इसीलिए जीएसटी नॉलेज इतनी बढ़ा देता है कि पूछो मत। पॉइंट एक सेंटेंस का होता है, समझने में पूरा टाइम लगता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, अब आप आराम से रीड कर लो, फिर और बताता हूँ आपको। रीड करके देखो एंट्री क्या है, मतलब बेसिक एंट्री समझ में आनी चाहिए, उसके पीछे पूरी सिस्टम क्या है वो ये है। अब इसके आगे जो इंटरेस्ट डिफाइन किया उसमें देखो एक छोटी सी बात है, भाई इंटरेस्ट इज ए कंसिडरेशन, कंसिडरेशन किसका, लोन या डिपॉजिट का, करेक्ट और नॉट, ये भी कंसिडरेशन ही तो है। मैंने अपना पैसा 10 लाख इनको दिया, भाई मैंने 10 लाख दिया तो मुझे बदले में भी तो कुछ चाहिए ना, कंसिडरेशन, इन्होंने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, जैसे मकान किराए पर दिया ऐसे अपनी कैपिटल किराए पर दे दी। डिपॉजिट देना या लोन देना क्या है, किराए पे देना, किराए पे देना किसको, कैपिटल को, जैसे मकान को दिया किराए पे, किसी और सामान को दिया तो मकान किराए पे दिया, कंसिडरेशन क्या है, रेंट, पैसा दिया, कंसिडरेशन क्या है, इंटरेस्ट, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा छोड़ो, चूँकि ये तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना देना है, छोड़ो इसको। लेकिन जब मैं बैंक में लोन लेने गया तो बैंक ने कहा भी लोन पे आपसे इंटरेस्ट लेंगे, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा जीएसटी लोगे, बैंक ने कहा नहीं लेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन बैंक ने कहा जो आपकी फाइल बनाएंगे, आपको आप भी समझते हो कि फाइल बनाना यानी प्रोसेसिंग करना लोन की, इतने सारे वो प्रोसेसिंग का पैसा अलग लगेगा, 50,000 रुपये आपसे प्रोसेसिंग का लेंगे, फिर लोन देंगे उसका इंटरेस्ट लेंगे, तो प्रोसेसिंग के ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, गोम से वी आर वेरी मच क्लियर, प्रोसेसिंग फीस के ऊपर बिल्कुल लगेगा, वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन आप याद करिए इंटरेस्ट की डेफिनेशन हमने इनकम टैक्स में भी की थी और उसमें मैंने बताया था इंटरेस्ट की डेफिनेशन यहाँ अलग है, जीएसटी में अलग है, जीएसटी में इंटरेस्ट की डेफिनेशन द्वारा डिस्कस करेंगे। जब टीडीएस किया था 193 और 194 का तब बात की थी, उसमें लिखा था कि जो आप प्रोसेसिंग फीस लेते हो इसको इंटरेस्ट मानेंगे, इसके ऊपर टीडीएस करना है, इंटरेस्ट पर टीडीएस करना है, इस पर भी करना है, यहाँ लिखा है उसको इंटरेस्ट नहीं मानेंगे, सर्विस चार्ज है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। दोनों की डेफिनेशन में डिफरेंस है। देखो मैं फिर क्या कह रहा हूँ, मैं बैंक में लोन लेने गया, ठीक है, ये बात शायद आपको पता होगी, बैंक से जी पहले तो ये बताओ तुम हो कौन, करते क्या हो, अर्निंग कितनी है, सिक्योरिटी क्या दोगे, श्योरिटी कौन होगा, कितना लोन लोगे, कहाँ जाएगा, कब वापस करोगे, ये सारी इंक्वायरी जो करेगा ऑफिसर उसका 2 घंटे खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर ढंग से इंक्वायरी नहीं की गलत पर्सन को लोन दे देंगे। फिर कहेंगे सबके डॉक्यूमेंट ले आओ, फिर डॉक्यूमेंट एग्जामिन करेंगे, मैंने प्रॉपर्टी के कागज दे दिए, बैंक ऑफिसर कह रहा है प्रॉपर्टी के कागज मुझे नहीं देखने आते, हमारा एडवोकेट है उसके पास जाएंगे, वो एडवोकेट उसका 12 सालों का रिकॉर्ड पूरा चेक करेगा, उसको 12 साल हम भाषा में बोलते हैं, फिर जिसका 12 साल बता दूँ मैं कि 12 साल का ट्रैक,
वो जाएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में पेमेंट लगेगी, फीस देनी पड़ेगी, फिर सारे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, सारे को एग्जामिन करके रिपोर्ट बनाएगा कि मैंने देख लिया सब ठीक है, प्रॉपर्टी इसी की है, पहले इसके पास थी फिर उसके पास थी, 12 साल की हिस्ट्री है, और एडवोकेट अपना अच्छा खासा इसका पेमेंट लेगा, पेमेंट बैंक को देनी पड़ेगी। तो बैंक सेज भाई इतना सारा जो टाइम लगेगा ये सब इसका पैसा कौन देगा? इसका 1 लाख रुपया अलग लगेगा, 50 लाख का लोन देंगे वो अलग है, इंटरेस्ट उसका अलग है, तो इसके ऊपर GST लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और इनकम टैक्स एक्ट क्या कह रहा है, इसको तो हम इंटरेस्ट ही मानते हैं, इसके ऊपर TDS नहीं होगा, दिस इज इंटरेस्ट। GST कह रहा है ये इंटरेस्ट कहाँ हुआ, ये तो सर्विस चार्ज है, इसके ऊपर लगेगा। ये पॉइंट है दोनों में। तो इनकम टैक्स में भी इसकी बात आई थी, यहाँ भी आ रही है। बैंक इसको बोलते हैं प्रोसेसिंग फी कह लो, प्रोसेसिंग चार्ज कह लो, सर्विस चार्ज कह लो, कुछ भी कह लो, हर बैंक लेता है, उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि पूरी हिस्ट्री उनको देखनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट एग्जामिन करने होते। फिर वो इनकम टैक्स की रिटर्न भी मंगवाएंगे कि जी 3 सालों की रिटर्न लाओ अपनी। देखो मुझसे पूछा, मैंने कहा बैंक में लोन लेना 50 लाख का, उन्होंने कहा आपकी इनकम कितनी है, मैंने कहा मेरी इनकम तो 1 करोड़ है, 50 लाख का लोन क्या चीज़ है मेरे लिए, यूँ पे कर दूंगा। तो उन्होंने कहा इनकम टैक्स रिटर्न लाओ, उसमें लिखा हुआ 20 लाख। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्यों मांगी, जितनी रियल इनकम होती है हर बंदा रिटर्न में कम बताता है, तो यानी जितनी रिटर्न में बताई है उतनी तो पक्का होगा होगा, तो बैंक 20 लाख के हिसाब से प्रोसेसिंग करेगा। देखो हर बंदा जितनी एक्चुअल इनकम है रिटर्न में कम बताएगा, तो रिटर्न मंगवा लो, जितना रिटर्न में लिखा है टिकट फॉर ग्रांटेड 100% उतनी इनकम तो उसकी होगी होगी, कम नहीं होगी, करेक्ट, इसलिए रिटर्न मांगते हैं। आप में से भी काफ़ी बच्चों को पता होगा इनकम टैक्स रिटर्न मांगते हैं, कितने स्टूडेंट को बताए, यस लगभग आधी क्लास को। रीजन क्या है, रीजन ये है कि जितनी इनकम उसमें लिखी है ना मोर देन 100% गारंटेड इतनी तो है ही है, क्योंकि हर पर्सन की इनकम आधी मिलेगी रिटर्न के अंदर, आधी गायब होती है आधी होती है, किसी की 1/4 ही मिलेगी, तो सबसे बढ़िया है लाभ रिटर्न ले आते, नहीं जितनी इनकम है उतनी हमने मान ली। अब रीड कर लो सारे, हाँ जी अब आप डाउट पूछ सकते हो इसमें एंट्री में, ये एंट्री हम बाद में नहीं करेंगे, ऊपर लिख लीजिएगा ऑलरेडी कवर्ड, जब ये आएगी तो मैं आपसे पूछूंगा, जब ये एंट्री बाद में आएगी। फॉरेन एक्सचेंज वाला तो बस आप इतना समझ लेना कि जब भी फॉरेन एक्सचेंज की सेल परचेज होती है तो इसे करेंसी नहीं मानते, कमोडिटी मानते, इसे कमोडिटी, हमारे कंट्री की करेंसी करेंसी है और किसी कंट्री की करेंसी करेंसी नहीं है, कमोडिटी है। सेल परचेज करते हैं कमोडिटी में, कमीशन, सस्ते में खरीदो महंगे में बेचो, RBI से अलाउड। हमारी करेंसी को किसी ने बेचा ज़्यादा में, इलीगल है, जेल जाएगा सीधा। कैसे मैं बताता हूँ, 100-100 के नोट की नई गड्डी, 1-1 रुपये वाली नई गड्डी, आपको भी सबको पता होगा कहाँ से मिलती है, बैंक से, बैंक वाले नहीं देते, कहाँ से, RBI वाले नहीं देते, बाहर से मिलती है। किसने बोला बाहर से मिलती है, यस, बाहर से कहाँ से, एक आध एग्जांपल बताओ, चांदनी चौक, चांदनी चौक में ले लो और काफ़ी मार्केट में ले लो, चांदनी चौक बदनाम है इस काम के लिए। 1 रुपये का कितना, 1-1 रुपये वाली 100 नोट है, तो 100 रुपये की तो हुई, 150 रुपये की, ये देखो 1-1 नोट है, 100 तो 100 रुपये की होगी ना, उनसे पूछे कितने, 150 रुपये की। तो ये क्या कर रहे हैं, इंडियन करेंसी को ही कमीशन में बेच रहे हैं, नॉट अलाउड। पुलिस में कंप्लेंट कर दो तुरंत अरेस्ट कर लेंगे इनको, जेल डालेंगे, अच्छे निकल नहीं सकते।
वो बात उसे कोई कंप्लेंट नहीं करता, वो बात दूसरे पुलिस वाले करे तो सारी बेइज्जती में क्या खास बात है। देखो एक क्राइम है, कोई एक बंदा करता है, एक क्राइम है हज़ार लोग करते हैं, तो पुलिस कहे हम क्या करें भाई, सारे ये कर रहे हैं क्राइम, किस किस को पकड़ेंगे। कोई पीछे पड़ जाए तो दूसरी बात है, फिर वो कहेंगे प्रूफ लाओ, प्रूफ कोई है नहीं, उसने उससे पूछा था अभी दे दोगे, हाँ दे देंगे, कुछ ने वो इनवाइस थोड़ा बना के दिया है, वो कहेगा मैंने बेची नहीं, झूठ बोल रहा है ये, मेरे पास ये आया ही नहीं, मैंने तो देखा इसको आज पहली बार है, मुझे झूठा फंसा रहा है, मैं उल्टा केस करूँगा इसके ऊपर मुझे फंसा रहा था, इसलिए एक्शन ही होता वैसे अलाउड नहीं है। अब ये चांदनी चौक वाले के पास कहाँ से आई, आरबीआई से, बैंक से, बैंक वाले आरबीआई वाले सब इनको बेच देते हैं। आरबीआई में तो भाई बल्क के अंदर छपरी हैं, 1 करोड़ गड्डी छपी है, तो इनसे कहेंगे 10 रुपये कमीशन पे ले जाओ, वो आगे 50 रुपये कमीशन पे बेच देंगे, ऐसे बैंक वाले 10-20 रुपये कमीशन पे ले जाओ, ये आएंगे इनको इकट्ठी पकड़ा देंगे 50 सौ दो, और कस्टमर जाएगा नए नोट नहीं है जी, नए नोट तो आते ही नहीं, ख़त्म हो गए, नए नोट नहीं देंगे, आप ट्राई करके देख लो कोई बैंक नहीं देगा, और ये सारे इनके पास जाते हैं बल्क में, पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, वो अलाउड नहीं है। लेकिन फॉरेन एक्सचेंज में अलाउड है, किसको, जिसको आरबीआई ने अलाउड किया है, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर मनी चेंजर, उसको अलाउड है, मनी चेंजर खरीदो कम में बेचो ज़्यादा में, और खरीदो सस्ते में फिर आरबीआई को बेच दो आरबीआई रेफरेंस रेट पे, कमीशन तुम्हें अलाउड है, ठीक है, ये पूरी बात है। अब आप रीड करो डाउट, इसके नीचे एक लाइन और, सर्विस चार्ज कह लो, फी कह लो, डॉक्यूमेंटेशन फ़ी कह लो, ब्रोकिंग चार्जेस कह लो, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कह लो, एंट्री चार्जेस कह लो, सप्लाई फी, इन सब के ऊपर जीएसटी लगेगा, किस पे नहीं लगेगा, इंटरेस्ट पे, आर एग्जम्प्ट एंड दस रिप्रेजेंट टैक्सीबल कज आर नॉट एग्जम्प्ट, ये सब एग्जम्प्ट नहीं है, सब के ऊपर जीएसटी लगेगा, एग्जम्प्ट क्या है, इंटरेस्ट, ये एंट्री है पूरी, आप रीड करके देख लो। इससे आगे बैंक से रिलेटेड दो छोटी छोटी एंट्री है, वो भी पढ़ दूँ, इंटरेस्ट से रिलेटेड नहीं है लेकिन बैंक से रिलेटेड है, मैं कर देता हूँ, दो और कवर करवा देता हूँ, 13 में छोटे पार्ट है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ए बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना सुनी होगी ना आपने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था भी जो भी लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है अपने अकाउंट खुलवाओ, तो वैसे तो बैंक इन लोगों से कोई सर्विस चार्ज नहीं लेता, सर्विस चार्ज ज़्यादातर करंट अकाउंट पे होते हैं, सेविंग के बहुत कम होते हैं, तो इनसे गवर्नमेंट से अगर आपने कहीं कुछ ले भी लिया तो ध्यान रखना जीएसटी नहीं लेना इनसे, ये एग्जम्प्ट किया है। सर्विस प्रोवाइड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर, वैसे तो बैंक लेता ही नहीं है, सेविंग वालों से इन जनरल नहीं लेता, करंट वालों से लेता है, तो नहीं लेना। अच्छा बताओ बैंक सेविंग वालों से क्यों नहीं लेता, इन जनरल नहीं लेता, लेता है, मैं कह रहा हूँ इन जनरल, जितना चार्ज करंट अकाउंट पे लगता है ना उसके मुकाबले सेविंग पे ना के बराबर है, उसके मुकाबले, उसका रीज़न ये है करंट में आप कितनी बार भी डिपॉजिट करो कितनी बार भी निकालो कोई लिमिट नहीं है, इसमें लिमिट है, वो बात दूसरी है, बैंक उसको फॉलो नहीं करते कि आप पूरे साल में 50 विड्रॉल से ज़्यादा नहीं कर सकते, डिपॉजिट करवाएंगे तो हैवी अमाउंट नहीं कर सकते, छोटा मोटा आप 10 लाख ले आए कैश जमा कराने, वो कहेंगे सेविंग में 10 लाख कहाँ से आया, सेविंग तो ये है घर में छोटा मोटा पैसा बचा 1000, 2000, 5000 वो डिपॉजिट कर दो, अगर आप 10 कर दे वो तो लाओ फिर सर्विस चार्ज दो, फिर वो लगाते हैं, नॉर्मली नहीं लगता, बिजनेस करना इसमें अलाउड नहीं है, बिजनेस करेंगे तो इसमें वो नहीं लेते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है, एक तो वो ट्रांजेक्शन लिमिटेड होगी, इसमें आप चेकबुक मांगो 1000 चेकबुक चेक चाहिए वो चेकबुक दे देंगे, 100 वाली है तो 10 इकट्ठी दे देंगे, इसे मान के देखो वो कहेंगे 25 वाली मिलेगी, दो दो क्यों, पहले ख़त्म हो जाने तो फिर आना, इसमें मांग लो इकट्ठी कि जी 10 चेकबुक दे दो हमें 100-100 लीव्स वाली दे देंगे वो। अब इसमें बैंक कहता है कि कोई बात नहीं, नहीं लिया तो भी कोई लूजर थोड़ा है, वी आर गेनर, जो आपको इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट कितना देंगे मान लो 4%, इसी पैसे को किसी को लोन में दे देंगे 12%, देखो कितनी अर्निंग होती है भाई, सेविंग में इंटरेस्ट कितना मिलता है, 4%, 3%, 5%, 500 नहीं होगा 4 ही होगा, और बैंक आपको देगा 4 और इसी पैसे को उठा के किसी को लोन दे देगा तो लेगा 12%, अलग अलग स्कीम है, कहीं 10 है, कहीं 12 है, कहीं 16 है, कहीं कितना है, तो सारे सेविंग अकाउंट का टोटल कर लो,
100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का डिपॉजिट निकलेगा, सारे बैंक के सेविंग अकाउंट का डिपॉजिट कर लो, उसमें देखो कितनी अर्निंग है। और करंट में तो बैंक इंटरेस्ट देता ही नहीं है, इसलिए नहीं देता कि आपको सर्विसेज बहुत ज़्यादा देते हैं हम, उसका भी हम चार्ज लेंगे, इंटरेस्ट नहीं देंगे, और इन दोनों पैसे को लोन देके उसमें अर्निंग करते हैं। इसीलिए सारे बैंक हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, लॉस में नहीं रहते। आप देख लो ICICI का शेयर करीब 800 रुपये का है और HDFC का 1600 रुपये का है, कोटक बैंक का 1800 रुपये का है, एक्सिस बैंक का 900 रुपये का है, बंधन बैंक नया नया बैंक है उसका भी 600-700 का है, और बैंक जिनके नाम ही नहीं सुने, सिर्फ सरकारी बैंक छोड़ दो, पब्लिक सेक्टर बैंक, उसमें किसी को भरोसा नहीं है, उनका 50 का है, 60 का है, 70 का है, 80 का है, कैनरा बैंक का शायद 110 का है, SBI का तो अलग सिस्टम है, वो मिक्स है, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट मिक्स है। ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ना उसमें सारे शेयर गवर्नमेंट, SBI के पास सारे नहीं है, SBI तो 47 से पहले का बना हुआ है और उसका स्ट्रक्चर SBI का अलग स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट के पास नहीं, पब्लिक के पास बहुत शेयर है। एनीवे मतलब ये एंट्री समझ में आ गई, रीड करके देख लो, एक एंट्री और रीड कर देता हूँ, 14 छोटी सी, सर्विसेज टू एन एक्वायरिंग बैंक बाय एनी पर्सन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ ₹2,000 इन ए सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड चार्ज एंड अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। एक्वायरिंग बैंक मीन्स एनी बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एनी अदर पर्सन हु मेक्स द पेमेंट टू एनी पर्सन हु एक्सेप्ट सच कार्ड। एक बार रीड करो, देखो ये वाला पार्ट क्या है, मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मान लो, वैसे है नहीं मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं, कहीं जाके 1 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख का कोई शोरूम से सामान खरीदा, अब शोरूम वाला पैसा ले लेगा, कहाँ से ले लेगा, जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक का है मान लो, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, ये पैसा किसी और से लेगा जिसको हम बोलते हैं गेटवे, गेटवे सुना ही होगा आपने, यानी कोई थर्ड एजेंसी बीच में है। बैंक के पास इतनी फुर्सत कहाँ, इतने हजारों लाखों क्रेडिट कार्ड का हिसाब किताब करेगा, बैंक से हमारे पास नहीं है, ये सिस्टम बनाया किसी और ने, बैंक ने बनाया ही नहीं। वो कह रहे हैं बैंक वालों को तुम चिंता मत करो, इनका सबका हिसाब किताब हम कर लेंगे, सबका पेमेंट वेमेंट कर देंगे, फिर बाद में इकट्ठा करके आपसे ले लेंगे, एक ही बार में 1 लाख कस्टमर का टोटल करके आपसे ले लेंगे, लेकिन आपको कमीशन देना पड़ेगा, हमें ऐसे काम नहीं करेंगे, कमीशन देना पड़ेगा। तो ये पर्सन जो है कमीशन लेते हैं, और ये बैंक क्या कहलाता है, कहलाता है एक्वायरिंग बैंक, जहाँ पे अकाउंट फाइनली खुला हुआ है। एक एक ट्रांजेक्शन को बैंक डील नहीं करता, एक एक शोरूम वाला यहाँ लाइन लगा के खड़ा हो जाए, पेमेंट दे भाई, पेमेंट दे भाई, पेमेंट दे भाई, वो तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसमें इधर से एडजस्टमेंट चलेगी, और ये सारा हिसाब किताब सब में गेट पे लगे हुए हैं। आप देखो जितने भी हम पेमेंट करते हैं, चाहे गूगल पे हो, चाहे फोन पे हो, चाहे ये हो, चाहे वो, सब में गेट पे लगे हुए हैं। ये थर्ड एजेंसी है जो बीच में फैसिलिटेट कर रही है, एक्चुअल कस्टमर और बैंक के बीच में फैसिलिटेटर है, ये कमीशन एजेंट है ये। तो ये जब पैसा लेंगे, कमीशन लेंगे, तो उसके ऊपर GST लगता है। नहीं गौर से अगर 2000 तक की ट्रांजेक्शन है क्रेडिट कार्ड की, तो उसके ऊपर GST माफ़ है। हम चाहते हैं छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी कैश में ना हो, छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से हो, सारा ऑनलाइन होना चाहिए, डिजिटल बैंकिंग रहेगी, कोई भी कैश में आपस में पैसा लेना देना बंद करे, छोटे छोटे पेमेंट भी बंद करे। तो 2000 तक की पेमेंट अगर ये लेगा आपसे एक्वायरिंग बैंक से, उसके ऊपर GST नहीं लगाना, कमीशन के ऊपर GST नहीं लगाना, बाकी में कमीशन के ऊपर GST लगाना है। रीड करके देख लीजिएगा, ये पॉइंट है।
हाँ जी डाउट बोलिए। एक्स्ट्रा पेमेंट की बात नहीं कर रहे हम, एक्स्ट्रा पेमेंट पर जीएसटी की बात कर रहे हैं हम। उसे जो एक्स्ट्रा पेमेंट है, कमीशन है 2000 वाले पे भी वो लेगा गेटवे, कमीशन हम थोड़ा रोक देंगे। लेकिन हमने कहा था कमीशन पे जीएसटी लेना, वो हमने माफ कर दिया कि उस पर जीएसटी मत लेना, कमीशन ले लो। जो गेटवे है वो कह रहा है जी मुझे क्या मतलब है, मेरी तरफ से 500 रुपये का हो, मेरा टाइम तो उतना ही खराब होगा, चाहे 500 चाहे 5000 चाहे 5 लाख हो, मैं तो लूँगा। तो उसे उसको हम नहीं रोक सकते। हमने कहा था कमीशन के ऊपर जीएसटी, वो उसको कहा है तो जीएसटी चार्ज मत करना, तो जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ताकि छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी डिजिटल हो जाए, क्रेडिट कार्ड कैश खत्म हो जाए। कैश अगर होता है तो उससे दो नंबर जनरेट होता है, कैश आने के बाद बंदा दबा लेता छुपा लेता है, और अगर डिजिटल एंट्री है उसको कोई नहीं छुपाएगा। तो दो नंबर की इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने का यही तरीका है, कैश ट्रांजेक्शन बंद कर दो, सब एक नंबर में चलेगा और हर जगह गवर्नमेंट को विजिबल रहेगा कि क्या हो रहा है, वरना दो नंबर जनरेट होता जाएगा। लोगों की हैबिट ख़त्म कर दो कैश में डील करने की। आज की डेट में आप देख लिए गोलगप्पे वाला भी वो लगा के बैठा है, स्कैन कर लो, हर कोई लगा, छोले भटूरे वाला भी वो लगा के बैठा है, हर कोई लगा के बैठा है। तो उन्होंने तो कभी सोचा, लेकिन उनकी हैबिट बन गई, ये ठीक है यार, वो नहीं तो लो जी 500 का नोट काट लो, 50 रुपये दो खुले, तूला खुले पे झाड़ा हो जाएगा, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। वो भटूरे वाला अपना काम करता रहता है, जी स्कैन कर लो, डाल दे, हाँ डाल दे, चलो चलो, इतना टाइम उसका बचता है, नहीं तो सारे कस्टमर खड़े रहते थे, भीड़ लग जाती। तो गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है, ठीक है। और देखो डाउन, चले अब आगे वापस कमीशन में। एक बात और बता दूं छोटी सी आपको, देखो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, चाहे एक्सपोर्ट चाहे इम्पोर्ट, यू नीड सम पर्सन जिसको फॉरेन ट्रेड की भी नॉलेज हो और फॉरेन एक्सचेंज की भी नॉलेज हो, तभी तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होगा, उसमें तो सारा इन्वॉल्व है, ठीक है। फॉरेन ट्रेड की भी नॉलेज हो और फॉरेन एक्सचेंज की भी नॉलेज, दोनों बातें अलग अलग हैं। फॉरेन ट्रेड दूसरे कंट्री में सेल परचेज का क्या सिस्टम होता है, वो सारा होता है लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू, एलसी के थ्रू। तो एलसी का पूरा सिस्टम पता होना चाहिए। एलसी पे किसी कंट्री का लॉ नहीं लगता, वो डब्ल्यूटीओ का लॉ लगता है, उसके एक्ट का नाम है यूसीपीडीसी, इसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए यूसीपीडीसी की, तब इंटरनेशनल ट्रेड कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज करेंसीज, जितनी भी करेंसीज है इनका क्या सिस्टम रहेगा, कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी वगैरह वगैरह, साथ में पूरी नॉलेज चाहिए फेमा की। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आज की डेट में बड़ा कॉमन है। जैसे पहले हम कहते थे जी पड़ोस की दुकान से सामान खरीद रहे हैं, ऐसे हम कहते हैं जी पड़ोस के कंट्री से सामान खरीद रहे हैं, चाइना से लेके आए हैं। तो एक कंपनी को एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कुछ काम करना है, दे आर सर्चिंग फॉर सम एक्सपर्ट, जिसके पास चले जाएं जो सारी बात बता दे, सारा हैंडल कर ले। तो एक्सपर्ट का नाम बताओ कौन है जी? बैंक? नहीं, बैंक तो अपना बैंकिंग का काम करता है ना, बैंक ये सर्विसेज थोड़ा देता है, बैंक तो अपना बैंक का काम कर रहा है। एक प्राइवेट एक्सपर्ट चाहिए जो कहेगा डोंट वरी मैं सब करवा दूंगा। ऑडिट करवानी है तो कहाँ जाए? सीवा, अरे हम सब करवा देंगे। रिटर्न भरवानी है तो क्या? अरे हम सब करवा देंगे। तो मैं ऐसे पूछ रहा हूँ सीए के पास, ठीक है। अब रियलिटी देख लो, सीए के पास कहीं भी सीए इंटर के सिलेबस में इसका कोई पार्ट नहीं है, और सीए फाइनल के सिलेबस में कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ नाम का है, सिर्फ नाम का है। लेकिन सारी पब्लिक कहती है यहाँ चले जाओ। अब ये बड़ी बड़ी कंपनी 1000, 2000, 4000 करोड़ का बिजनेस करने वाले आ जाएंगे, वो समझ रहे हैं भाई यहीं पे सब कुछ मिलेगा। रियलिटी ये है कि सीए फाइनल करने के बाद बंदा कहता है यार मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं, लेकिन सारे मुझे मानते हैं एक्सपर्ट, बोलो क्या करोगे। अब आपको अपने आप सारा स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में, अपने आप, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्लास में अपने आप पढ़ना सीखो, काम आएगा, यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा, अपने आप पढ़ोगे फिर काम करोगे, पढ़ोगे फिर, कम से कम 10 साल लग जाएंगे इसको सीखने में, मिनिमम कह रहा हूँ 10 साल लग जाएंगे, क्योंकि इसके साथ प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए ना। प्रैक्टिकल आपको कौन देगा जी? क्लाइंट के साथ डीलिंग करोगे, यानी दो अनाड़ी आदमी एक दूसरे से सीखेंगे, क्लाइंट को क्या पता। ये तो ऐसा ही है भैया, मैरिज के बाद दो अनाड़ी पर्सन मिलते हैं, ठीक है, और लाइफ नई स्टार्ट करते हैं, बट नो वन इज स्ट्रेट, क्योंकि मैरिज तो दोनों की पहली बार हुई है। ऐसा बंदा कहता है जी मेरी तो मैरिज हुई है, 20 साल मुझे एक्सपीरियंस है, तुम नए हो, तुम्हें मैं सब सिखा दूंगा, तो दोनों में से किसी को कुछ नहीं पता। तो एक नया वेंचर ऐसे ही यहाँ पे,
ठीक है। मुझे फॉरेन एक्सचेंज का कैसे पता लगा जो मैं बता रहा हूँ आपको? देखिए बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के नहीं पता लगता। 1980 आई वॉज सेलेक्टेड ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक 1980 सेक्टर 17 चंडीगढ़, और वहाँ मैंने 4 साल फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काम किया। चार साल काम करके सीखा, साथ साथ थ्योरी को पढ़ा, साथ साथ ही काम किया। फिर उसके बाद 1984 में आई वॉज सेलेक्टेड डायरेक्टर एज मैनेजर सिंडिकेट बैंक में, यहाँ से रिजाइन करके फिर मैं यहाँ चला गया सिंडिकेट बैंक में डायरेक्टर एज मैनेजर। यहाँ 4 साल मैंने दुनिया भर का फॉरेन ट्रेड किया, दुनिया भर का फॉरेन एक्सचेंज किया, तो ये एक्सपर्टाइज वहाँ से जाके मैंने गेन की। और जो और लोग आते थे वो आकर कन्फ्यूज पॉइंट पे अटक जाते थे, वहाँ आके फिर हमसे पूछ लेते थे भाई इसको कैसे डील करें। 4 साल को काम करने के बाद जा करके मुझे लगा कि हाँ अब मुझे समझ में आया फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज कैसे होता है। इतने सारे एक्सपीरियंस मेरे साथ में है, कोई भी मैटर हो, मैं किसी भी मैटर को मैं इजीली हैंडल कर लूँगा, चाहे फॉरेन ट्रेड का, चाहे जो मैं बता रहा हूँ आपको UCP DC वाली बात, ये कहाँ है ये एक्चुअल काम करने पता लगती है। यूनिफॉर्म कस्टम फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, इसमें सारा डिटेल है। डिस्प्यूट होने पर इंटरनेशनल लॉ एप्लीकेबल होगा। मान लो अमेरिका से मैंने इंपोर्ट किया, झगड़ा हो गया, बताओ अमेरिका का लॉ के इंडिया का, ये लगेगा WTO का, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो मैं वैसे बता रहा हूँ आपको, एक तो इस फील्ड में नॉलेज गेन कर लेना बहुत काम आएगा, क्योंकि इसके एक्सपर्ट है ही नहीं, गिने चुने एक्सपर्ट है। प्लस आपको अपने आप स्टडी करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, करेक्ट। अब आओ वापस कंपोजिशन स्कीम में, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दिया, एक एक बात मेरी 1-1 लाख रुपये की है, बड़े सस्ते में बता रहा हूँ मैं आपको। अब देखो जरा कंपोजिशन में भी कुछ पार्ट मुझे बताना है, पेज नंबर वापस आ जाओ उसी नंबर पे, पेज नंबर 116 पर। एक छोटा सा और एक्सपीरियंस बताऊं आपको जो मेरे लिए बहुत ही मुसीबत बना था, मुझे आज भी याद आता है। एक पंजाब की ना ऑर्गेनाइजेशन है पंसप, पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन, पंसप बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब गवर्नमेंट की, पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज यानी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक को सप्लाई की जाएगी जिस भी चीज़ की शॉर्टेज है ये देखेंगे। तो ये बात करीब करीब 1981 की है, और उन दिनों ना इंडिया में सीमेंट की बहुत शॉर्टेज थी, सीमेंट की फैक्ट्री इंडिया में थी नहीं, तो सीमेंट ब्लैक में मिलता था भाई, 100 रुपये का बैग है सीमेंट का, 300 रुपये ब्लैक में, 400 रुपये, जैसे उन दिनों गैस का सिलेंडर भी ब्लैक में मिलता था। तो इन्होंने डिसाइड किया कि भाई तैवान से ना, स्पेसिफिक जगह का नाम था तपई, तैवान से सीमेंट इंपोर्ट कर लेते हैं, सीमेंट इंपोर्ट करके सप्लाई करेंगे। तो सीमेंट इंपोर्ट करनी थी $22 करोड़, लाख लिख दिया ना मैंने, $22 करोड़, ठीक लिखा है, $22 करोड़। तो हम इंडिया में कैसे लिखते हैं, पहले जो लिखते थे 22 के बाद कोमा, 2 जीरो के बाद कोमा, 2 जीरो के बाद कोमा, 3 जीरो फुल स्टॉप और 2 जीरो, ऐसे लिखते हैं ना, पहले में ऐसे लिखते थे कोमा कोमा फुल स्टॉप। अमेरिका में कैसे लिखते हैं, 22 फुल स्टॉप, नहीं 22 को फुल स्टॉप और फिर 2 जीरो फुल स्टॉप, फिर 2 जीरो फुल स्टॉप, 3 जीरो कोमा और 2 जीरो, ऐसे लिखते हैं। नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जब भी मान लो ये डॉलर्स में लिखा है, जब भी अमाउंट लिखेंगे तो जहाँ पर भी हम कोमा लगाते हैं उसके बदले में फुल स्टॉप लगाते हैं, मैं ये बता रहा हूँ। अब जब फिगर पूरी हो जाती है तो हम फुल स्टॉप लगाते हैं, वो वहाँ पे कोमा लगाते हैं। तो जब वो पढ़ेंगे तो इस फिगर को उनको पढ़ने में दिक्कत आएगी, यस और नो? इसलिए फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन ट्रेड के अंदर इट इज़ कंपल्सरी कि आप इसको इंडियन स्टाइल में ना लिख के इंटरनेशनल स्टाइल में लिखेंगे, अमेरिकन स्टाइल में नहीं, इंटरनेशनल स्टाइल में। अब इंटरनेशनल स्टाइल के अंदर जब से अब इसमें लिखा तो फिर हमने वर्ड्स में लिखा 22 करोड़, ठीक है डॉलर। अब जब आप वर्ड्स में लिखेंगे तो आप लाख और करोड़ यूज़ नहीं करेंगे, आप मिलियन बिलियन ट्रिलियन यूज़ करेंगे। तो जब करोड़ लिखा ना तो वो इसको समझ पाए और ना वो इसको समझ पाए, दोनों में से एक को तो समझे, ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है और ये भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है।
तो उन्होंने ये समझा कि ये फिगर जो है दो जीरो और जोड़ दो, इतने अमाउंट की सीमेंट मांगी है, जबकि हमने तो इतने अमाउंट की मांगी थी, उन्होंने दो जीरो और लगा दी। आपको पता है पीछे जीरो लगने से कितना बढ़ जाता है। तो उन्होंने हमें कन्फर्मेशन भेजी, द सीमेंट इज़ गोइंग टू बी रेडी ऑफ दिस मच अमाउंट। उन्होंने अपना बिलियन 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 ट्रिलियन के हिसाब से इसको ट्रांसलेट करके भेज दिया। अब हम कहें यार हमने तो इतना मांगा नहीं, हमने तो इतना मांगा है, वो इतना कह रहे हैं। उनको हमारी बात समझ में ना आए, उन्हें हमारी बात समझ में ना आए। तो फॉरन ट्रेड का पहला प्रिंसिपल, फर्स्ट अंडरस्टैंड ऑल इंटरनेशनल स्टाइल्स, देन यू शुड डील विद देम। दूसरी बात, हमने कहा सीमेंट, वो सीमेंट को सैंड बोलते हैं, तपई तवैन में इसको सैंड बोलते हैं। तो उन्होंने डिस्पैच करके लिख दिया सैंड, शायद मैंने ये बात क्लास में पहले ही बताई, उन्होंने बताई। तो जब डॉक्यूमेंट्स आए हमारे पास कि जी आपका सामान डिस्पैच कर दिया, इसमें लिखा था सैंड, हमने कहा ये लो, हमारी इंडिया में सारी यमुना में दुनिया भर का सैंड है, ये वहाँ से भेज दिया। तो पनसब के ऑफिसर्स तुरंत इमीडिएटली हमारे पास पंजाब नेशनल बैंक में आए, हमसे बात कीजिए आपने क्या कर दिया, हमने सीमेंट मांगी थी आपसे, हमने कहा हमने तो सैंड लिखा नहीं, हमने देख लो सीमेंट लिखा है, लेकिन वो तो सैंड भेज रहे हैं, अब इसको तुरंत रुकवाओ कि कहीं ऐसा तो नहीं शिपमेंट कर दें वो। तो अब उनसे तुरंत बात कैसे करें, क्योंकि उस समय ना तो मोबाइल फ़ोन था, 81 में कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था, ना इंटरनेट था, इंटरनेट मोबाइल फ़ोन 2001 में आए हैं, मैं 81 की बता रहा हूँ आपको। उस समय था टेलेक्स, टेलेक्स होता था, हम यहाँ टाइप करेंगे वहाँ टाइप हो जाएगा, बस इतना ही है। अब टाइप कर करके लिख लिख के उनको समझानी है सारी बात, और पर वर्ड हैवी पेमेंट लगता था, एक वर्ड का इतना पेमेंट है। टेलेक्स भेजा उनको, अब टेलेक्स का जो भेजेंगे तो एक दिन का टाइम लगता था टेलेक्स वहाँ जाने में, एक दिन का टेलेक्स वहाँ से आने में। तो उन्होंने कहा जी गोली मारो, हम जो है टिकट बुक करा के अभी के अभी वहाँ चले जाते हैं, बात करते हैं गवर्नमेंट के ऑफिसर, बैंक के ऑफिसर अलग, वो अलग, फटाफट फ्लाइट लेके पहुँचे वहाँ पे। वहाँ जाके पता लगा सीमेंट को ही सैंड बोलते हैं सीमेंट ही थी, जब सैंपल देखा तो सीमेंट ही थी। तो मैं ये आपको एक हिंट देना चाह रहा हूँ कि इंटरनेशनल ट्रेड इज़ नॉट एन ईजी जॉब। अब देखो GST टैरिफ का याद करिए आप, मैंने कहा था नंबर होता है 8 डिजिट, तो WTO ने फिर वो नंबर रिलीज किया कि आप खाली क्यों सीमेंट लिख रहे हो, क्यों सैंड लिख रहे हो, आप ये नंबर लिखो ना, बात खत्म हुई, या आप सीमेंट लिख के नंबर लिख दो, वो सैंड लिख के सेम नंबर लिखेंगे, टैली हो गया। उस नंबर से आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी पूरी दुनिया के अंदर, WTO का जो नंबर है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया में पूरे कंट्री में हर कोई क्या कहता है, फॉरेन ट्रेड का एक्सपर्ट कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, किसी से पूछ के देख लो, बड़ी बड़ी कंपनी सब आएंगी, और रियलिटी क्या है आपको पता होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से तैयारी कर लेना, ठीक है। इतने एक्सपीरियंस है, इतने एग्जांपल, मैं कम से कम 50 एग्जांपल आपको दे दूं, इसमें ये हुआ, उसमें ये हुआ, उसमें ये हो गया, उसमें वो हो गया, इसमें फंस गए, उसमें फंस गए, सारी रात नींद नहीं आती थी, पता नहीं किस में फंस जाए, और ट्रांजेक्शन बड़ी बड़ी देख लो, $22 करोड़ उसमें डॉलर 8 रुपये का था, अब 80 रुपये का ना, उसमें 8 रुपये का था, तो भी कितना बना, तब भी हैवी अमाउंट तो बनी रहा है, ठीक है। लेट्स सी नाउ, इधर आ जाओ पेज 116 पे, फॉरेन एक्सचेंज को भूल जाओ, इधर आओ पेज नंबर 116 को। मैंने क्या बताया आपको, एक तो जनरल डेफिनेशन है एग्रीगेट टर्नओवर की, करेक्ट, फिर इस एग्रीगेट टर्नओवर को मॉडिफाई किया गया, किसके लिए, कंपोजिशन के लिए, करेक्ट। फिर इस जनरल डेफिनेशन को रजिस्ट्रेशन के लिए भी मॉडिफाई किया गया, अगला चैप्टर हमारा रजिस्ट्रेशन का है, लेकिन जो पॉइंट नंबर 17 है उसका एग्जांपल मैं रीड नहीं कराया, उसके एग्जांपल में रजिस्ट्रेशन का कुछ पार्ट मिक्स है, तो मैं पहले आपको ये पॉइंट बताऊंगा, फिर वो एग्जांपल रीड करवाऊंगा तो प्रॉब्लम ही आएगी, फिर जब तुरंत चैप्टर स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन का तो प्रॉब्लम ही आएगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है, 2(6), लेकिन मॉडिफाई किया गया कंपोजिशन स्कीम के लिए, क्या मॉडिफाई किया गया, इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जिसमें वो अनरजिस्टर्ड डीलर है वो वाला टर्नओवर आएगा, क्लियर। अब बात आई रजिस्ट्रेशन की, तो मैंने कहा था ये डेफिनेशन ना तो रजिस्ट्रेशन में फिट हो रही है ना कंपोजिशन में, ये फिट हो रही है ऑडिट में, तो गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन के लिए भी मॉडिफाई कर देते हैं, लेकिन जो रियल प्रॉब्लम थी वो नहीं बदली, रियल प्रॉब्लम तो इसमें भी है, कुछ और ही मॉडिफाई कर दिया, कुछ और मॉडिफाई ये किया, वो कह रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर में जो इंटरेस्ट आएगा वो लेना है, और अभी तो मैं कह रहा हूँ कि नहीं लेना, मैं कह रहा हूँ ना एग्रीगेट में लेना ना टर्नओवर इन द स्टेट में इंटरेस्ट नहीं लेना, गोल से वो कंपटीशन के लिए बताया था हमने,
रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा बताया था, इसमें तो लेना है। अब ये वो मैं कह रहा हूँ घर का लो ही है भैया, तो सब जगह ले लो या सब जगह रहने दो, इधर ले लो इधर मत लो, उसमें ले लो इसमें मत लो, कौन याद करेगा इन सबको, किस में ले लो किस में नहीं ले लो। दोबारा सुन लो क्या है एग्जाम्पल, देखो मैं सर्विस दे रहा हूँ, गुड्स बेच रहा हूँ, चलो गुड्स बेच रहा हूँ, गुड्स में मेरी टर्नओवर है 35 लाख, 35 लाख, 6 लाख का मैंने इंटरेस्ट लिया, तो कंपोजिशन के हिसाब से टर्नओवर 35 लाख है, इंटरेस्ट नहीं लेना, करेक्ट और नॉट? ना स्टेट वाले में लेना ना एग्रीगेट में लेना, करेक्ट? अब मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है? अगर तो ये नहीं ऐड करना तो रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, और ऐड करना तो 41 लेना है। तो रजिस्ट्रेशन की डेफिनेशन में लिखा है ये लेना है, लेकिन इसको सर्विस नहीं माना जाएगा, गुड्स माना जाएगा, इंटरेस्ट को लेना है, सर्विस नहीं गुड्स। उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? उससे ये फ़र्क पड़ रहा है, एग्जाम्पल देखिए, मेरी 18 लाख की टर्नओवर है गुड्स की, और 4 लाख का मेरा इंटरेस्ट है। पहली बात इंटरेस्ट को लेना है, दूसरी बात अगर मैं इसे सर्विस मानूंगा, सर्विस में लिमिट कितनी लगती है? 20 लाख की, तो ये लेना पड़ेगा और साथ में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सर्विस में लिमिट 20 लाख की है। गौम से नहीं, हमने कहा लेना पड़ेगा लेकिन सर्विस नहीं गुड्स माना जाएगा, तो 4 लाख ऐड कर लो, तब भी आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, क्योंकि हमने सर्विस को क्या बोल दिया? गुड्स। लेकिन अगर ये वाला केस हो, ये वाला 35 लाख गुड्स की टर्नओवर है, 6 लाख इंटरेस्ट है, लेना है गुड्स मान के, 41 अब रजिस्ट्रेशन करवाना है। समझ रहे हो इस बात को? दोबारा बोलूं, जो इंटरेस्ट है कंपोजिशन स्कीम में, ना तो एग्रीगेट टर्नओवर में लेना, ना टर्नओवर इन द स्टेट में लेना, लेकिन ये इंटरेस्ट रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर निकालोगे तो लेना है, लेकिन इंटरेस्ट सर्विस होता है, सर्विस नहीं गुड्स मान के लेना, ये चीज है। तो अगर मैं ये एग्जांपल दूं आपको, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं करवाना? बिकॉज 4 लाख ले तो लिया लेकिन वो तो गुड्स है, कहाँ रजिस्ट्रेशन करवाना है? ये एग्जांपल दूं लेना है, क्योंकि 6 लाख ऐड करोगे 41, गुड्स का केस भी मान लो तो भी करवाना है, ये रजिस्ट्रेशन का पार्ट है। लेकिन जो पॉइंट नंबर 17 है उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा, उसमें पार्ट मिक्स किया हुआ है, मैं भी रीड करवा दूँगा आपको, जिसको डाउट है देख लो। ये मैं अभी रजिस्ट्रेशन में रीड करवाता हूँ, लाओ पहले रजिस्ट्रेशन में रीड करवाता हूँ, ये पार्ट पहले रीड करवाता हूँ आपको, फिर वो एग्जाम्पल देख लेंगे। पेज नंबर आइए 149। अब देखो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन फिर आ गई, 2(6) और मॉडिफिकेशन इसमें दे रखा है। टर्नओवर मींस एग्रीड वैल्यू फॉर टैक्स सप्लाइज, वैल्यू ऑफ इनवर्ट सप्लाइज, टैक्सेस पेबल बाय पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस, एग्जम्प्ट सप्लाइज इंक्लूड एग्जम्प्ट सप्लाइज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एटसेट्रा एटसेट्रा। अब मॉडिफिकेशन अगली लाइन में है, अगले पैराग्राफ में, इफ एनी पर्सन इज गिविंग लोन और डिपॉजिट अर्निंग इंटरेस्ट, ये चेंज है, ही इज रेंडरिंग सर्विस ऑफ लेंडिंग मनी फॉर द रजिस्ट्रेशन इट बी कंसिडर्ड सप्लाई, इसको ऐड करना है, लेकिन आगे क्या लिखा, नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, लेकिन इसको सप्लाई ऑफ सर्विस ना मान के गुड्स की सप्लाई माना जाएगा, एंड लिमिट फॉर टर्नओवर शैल बी डिटरमाइंड अकॉर्डिंगली। रीड करके देखो एक बार, इस इंटरेस्ट को लेना है, सप्लाई सर्विस की नहीं माननी, गुड्स की माननी है, ये मॉडिफिकेशन है रजिस्ट्रेशन में। इसको पढ़ लो फिर उसका एग्जाम्पल रीड करेंगे, क्योंकि दोनों को मिक्स करके वो एग्जाम्पल है। हाँ जी बताइए, मेरी गुड्स की टर्नओवर है
गुड्स की टर्नओवर ये है 37 लाख, इंटरेस्ट की है 4 लाख, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड और नॉट, कितना स्टूडेंट लगता है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, कितना स्टूडेंट लगता है नॉट रिक्वायर्ड? कुछ बच्चे हैं जिन्होंने किसी भी नहीं याद करा किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंटरेस्ट को रजिस्ट्रेशन के लिए टर्नओवर निकालते हुए लेना है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं लेना है, रजिस्ट्रेशन के लिए लेना है, लेकिन सर्विसेज नहीं मानना, गुड्स मानना है, यानी गुड्स का टर्नओवर बना 41, रजिस्ट्रेशन लेना है। अब लेट्स सी कि मेरा गुड्स का टर्नओवर है 18 लाख, सर इंटरेस्ट का है 4 लाख, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है कि नहीं? कितने स्टूडेंट लगता है रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, और कितने स्टूडेंट लगता है रजिस्ट्रेशन लेना है, और कितने बच्चे हैं जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया? है 2-3 बच्चे जिन्होंने किसी में हाथ नहीं खड़ा किया, ठीक है। तो इंटरेस्ट को ऐड करना है लेकिन सर्विसेज नहीं, गुड्स मानना है, तो गुड्स मान के टोटल बना 22 लाख, 22 लाख में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अब वो एग्जाम्पल रीड करवाता हूँ कमीशन के ऊपर। हाँ जी, तो 20 की होती है ना भाई, फिर हमने इसको सर्विस का माना, हमने तो गुड्स माना है ना। हाँ तो लगता है ना रजिस्ट्रेशन, लेकिन यहाँ बच गए ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कहा, इसे सर्विस नहीं मानना, क्या मानना है, गुड्स, तो गुड्स का हुआ ना, तो गुड्स पे कैसे रजिस्ट्रेशन लोगे? सर्विस को हमने सर्विस नहीं माना, क्या माना, गुड्स, तो गुड्स की बनी ना 22 लाख, तो क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? तेरे लिए डंडा लगाया था मैंने, इसी डंडे से तुझे मारूंगा एक दिन मैं। अब देखो वो एग्जांपल रीड करते हैं, पेज नंबर 116, 17 नंबर पॉइंट का एग्जांपल। मिस्टर एक्स स्टार्टेड ट्रेडिंग इन गुड्स 1/4/22 दिल्ली, टर्नओवर 30 लाख गुड्स का, 30/6/22 तक, साथ में 10 लाख का इंटरेस्ट 30/6/22 तक, तो क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? यस, 30 और 10 = 40 हो गए टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन चाहिए। फिर टर्नओवर 1/7/22 से 31 तक 110 लाख, टर्नओवर फ्रोम 1/2/22 एंड 15/22 वाज 10 लाख, इन दिस केस रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड 30/6, रजिस्ट्रेशन क्यों रिक्वायर्ड है? 10 लाख इंटरेस्ट का मिला लेना, बिकॉज इंटरेस्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर फॉर द पर्पस ऑफ लिमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन, बट ही विल बी शिफ्टेड टू नॉर्मल स्कीम आफ्टर 15/2 क्यों? क्योंकि जब कंपोजिशन की के लिए निकालेंगे कैलकुलेशन, तो वो 10 लाख को हटा देंगे, तो शिफ्टिंग जो आएगी नॉर्मल स्कीम में 15 तारीख को आएगी, क्योंकि 31 तक टर्नओवर 140 है, 10 लाख की और हुई है 15 फरवरी तक, तो यहाँ से वो आएगा नॉर्मल स्कीम में, बिकॉज इंटरेस्ट शैल नॉट बी टेकन टू कंसिडरेशन फॉर द एग्रीगेट टर्नओवर फॉर कमीशन स्कीम, हिज टर्नओवर इन द स्टेट शैल बी कंसिडर टू बी 120 लाख फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग टैक्स एंड अंडर कमीशन स्कीम। अब इसको रीड कर लो, ये रजिस्ट्रेशन और कंपोजिशन का मिक्स एग्जाम्पल है, दोनों पार्ट को एग्जाम्पल क्लियर करता है, रजिस्ट्रेशन को भी इसको भी आप मिला लो, साथ में टर्नओवर इन स्टेट के पॉइंट को भी क्लियर करता है, आराम से रीड कर लेना कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन से रीड करना, कोई सुपरफिशियली रीड करेगा तो समझ में नहीं आएगा, पूरा दिमाग लगाना है। देखो यहाँ लिख देता हूँ, 1/4/22 से 30/6/22 गुड्स है 30 लाख, इंटरेस्ट है 10 लाख, पहला क्वेश्चन क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, यस और नो, कितने सुन लगता है यस चाहिए, कोई डाउट नहीं, फिर
1722 से लेकर 31123 यहाँ तक, ठीक है। गुड्स की टर्नओवर थी 110। तो क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट करना है? नहीं करना। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर में नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट कर, एग्रीगेट टर्नओवर में ये 40 लाख लेना है, लेकिन ऑफ कोर्स इंटरेस्ट का पार्ट नहीं लेना है, इसलिए शिफ्ट नहीं करना। फिर आगे क्या हुआ? फिर यहाँ से 1223 से 15223 तक गुड्स का 10 लाख का टर्नओवर और आ गया। तो क्या अब नॉर्मल स्कीम में शिफ्ट करना है? यस, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे कमीशन स्कीम के लिए, इंटरेस्ट पर डालो तो भी 140 हो गया, 150 पूरा हो गया, करेक्ट। अब रही बात, मुझे टैक्स देना है, टैक्स पे करना है। तो टैक्स पे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जब तक आप अनरजिस्टर्ड थे छोड़ दो, जब रजिस्टर्ड हो गए हो तो ले लो। तो रजिस्टर होने के बाद कितना बना? 120 लाख, इसका लगेगा 1%, ऐसे है ना? ठीक है, जब अनरजिस्टर्ड थे स्टेट की टर्नओवर में छोड़ दो। अब दोबारा रीड कर लो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में लिखा होगा। देखो एग्जाम्पल को समझने में कितना दिमाग लग रहा है, कंपोजिशन रजिस्टर दोनों मिलाए हैं। जिसने एग्जाम्पल बनाया उसने कितना दिमाग लगाया होगा, मैंने बनाया ना, ठीक है। अब रीड करके देख लो, समझने के लिए बहुत इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत पड़ेगी तो समझ में आएगा, बनाने वाला कितना इंटेलिजेंट होगा। अब सारे में जिसको डाउट है बताओ, जिसको सारे में डाउट है बोलो आप। With this, we finish this chapter. Practical सारे घर में बैठ के तसल्ली से कर लेना, सारे हो जाएंगे आँख बंद करके, provided आपको concept clear हो। एक आठ try करते हैं, पेज 117 पे आओ। एग्जाम का क्वेश्चन देखें, एग्जाम का क्वेश्चन तो थ्रेटिकल है। क्वेश्चन है who are not eligible to opt for commission scheme? कौन कौन से लोग हैं जो स्कीम में नहीं आ सकते? उन्होंने ये नहीं पूछा कौन आ सकते हैं, उल्टा कर दिया। ये बताओ कौन नहीं आ सकते? रजिस्टर्ड पर्सन नॉट एलिजिबल फॉर कमीशन स्कीम ऑफ गुड्स अंडर जीएसटी लॉज आर एज अंडर। नंबर वन, सप्लायर एंगेज्ड इन एनी सप्लाई गुड्स अभी विच आर लेवेबल टू टैक्स, विच आर नॉट लेवेबल टू टैक्स। मतलब हमने कहा था एक तो वो गुड्स होती है जिस पे हम टैक्स लगा सकते हैं, लगा नहीं रहे, एक हम लगा नहीं सकते, नॉन जीएसटी आइटम, ठीक है, उसमें डील करेंगे तो स्कीम में नहीं आ सकते। पर्सन एंगेज इन मेकिंग एनी इंटरेस्ट रेट आउटर सप्लाई, वो नहीं आ सकते। पर्सन सप्लाइंग एनी सर्विसेज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स, वो नहीं आ सकते। मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, टोबैको, रेटेड वाटर, फ्लाई ऐश, ब्रिक्स, फ्लाई ऐश वगैरह, वो नहीं आ सकते। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, वो नहीं आ सकता। सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सीडिंग एन अमाउंट विच इज हायर ऑफ 10% टर्नओवर इन स्टेट और यूटी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख, जो इस लिमिट को क्रॉस करेगा वो इसमें नहीं आ सकता, और या फिर 150 की लिमिट क्रॉस करे वो नहीं आ सकता, या फिर 10-2A की है तो 50 लाख क्रॉस करे वो नहीं आ सकता। एक बार रीड करके देख लो। डाउट पहले इसमें पूछ लो, क्वेश्चन कह रहा है नॉट एलिजिबल टू ऑफर कमीशन स्कीम फॉर गुड्स, 10-1, 10-2 का पूछा गया है, 10-2A का पूछा ही नहीं गया।
या तो कहते ना गुड्स और सर्विसेज, फिर तो दोनों का बताते। हमने सिर्फ गुड्स का बता दिया कि गुड्स में भाई जो लास्ट ईयर की टर्नओवर है उसका 10% और 5 लाख विच इज हायर इतना कर सकते हो, इसको क्रॉस नहीं करना। डाउट देख लीजिएगा। फिर इलस्ट्रेशन 1, ये सारे प्रैक्टिकल हमने बनाए हुए हैं, मच मोर डिफिकल्ट है। एक जो सिंपल है वो करवा रहा हूँ, डिफिकल्ट वाले छोड़ रहा हूँ। डिफिकल्ट वाले तुम करना, सिंपल वाले हम करेंगे क्लास में। ये सारे मेरे बनाए हुए हैं और मैं पहले बता रहा हूँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जल्दी से सॉल्व नहीं होंगे। और किसी को रीडिंग नहीं लेनी, इसका आंसर छुपा के रजिस्टर पे सॉल्व करना है अलग से। देखो ये वाला देख लो, इलस्ट्रेशन 1। मिश्रा स्टार्टेड ट्रेडिंग गुड्स इन दिल्ली विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/22, सबमिट इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। 36 तक 40 लाख की टर्नओवर होगी तो इसका अंदर रजिस्ट्रेशन तो मैं करवा लूँगा। टर्नओवर क्रॉस 40 लाख 1/7/22 टेकन रजिस्ट्रेशन ऑप्टेड फॉर कमीशन स्कीम। टर्नओवर यहाँ से यहाँ तक है 110, ठीक है। तो ये यहाँ तक मैं कमीशन में रहूँगा, उसके बाद कमीशन से बाहर। टर्नओवर फ्रॉम दिस टू दिस 25 लाख, ये मैं नॉर्मल स्कीम में टैक्स दूंगा। ही हैज़ गिवन लोन एंड हैज़ अर्न्ड इंटरेस्ट ऑफ 3 लाख फ्रॉम दिस टू दिस। इस इंटरेस्ट वाले फैक्टर को तो कहीं कंपोजिशन स्कीम में लेना ही नहीं है, ठीक है ना, इसको तो लेना ही नहीं है ना स्टेट वाले में ना एग्रीगेट में। नॉर्मल रेट 6+6 है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। इन दिस केस नो जीएसटी पेबल अप टू 30 जून बिकॉज ही इज अनरजिस्टर्ड। आफ्टर 31 जनवरी 2023 ही हैज़ टू शिफ्ट टू नॉर्मल स्कीम, क्योंकि वहाँ तक 140 पूरा हो गया। बिकॉज टर्नओवर एज कॉज 150 लाख, 40 शैल ऑल्सो भी एडेड एग्रीगेट टर्नओवर में, 440 भी आएगा। बट नो टैक्स पेबल ऑन 40 स्टेट टर्नओवर में नहीं आएगा। आफ्टर 31 जनवरी नॉर्मल स्कीम में आएगा। तो जब तक कंपोजिशन में था 110 पे 0.5 लगा दिया, नॉर्मल में आ गया तो 3+3 लगा दिया। रीड करके देख लीजिएगा। डाउट देख सकते हो, आराम से रीड कर लीजिएगा। ये जो कंपोजिशन स्कीम के प्रैक्टिकल हैं जो मैं कह रहा हूँ मैंने बनाए हैं, ये प्रैक्टिकल आपको कहीं किसी बुक में नहीं मिलेंगे, ना इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में मिलेंगे, और ना कोई प्रैक्टिकल करवाता। लेकिन आपको पता है प्रैक्टिकल के बिना बात समझ में नहीं आती। थ्योरी कितनी भी याद कर लेना भूल जाओगे, प्रैक्टिकल कर लोगे तो हमेशा याद रहेगा। तो ये खास स्पेशलिटी हमारी है, किसी बुक में अगर आपको मिल जाए ये क्वेश्चन तो समझ जाना उसने हमारी कॉपी कर ली है। किसी बुक में मिले, मैंने नहीं कॉपी किया, मैंने बनाए अपने। जिस भी बुक में मिले मिला के देख लेना, सेम हो गए, 100% बंदे ने कॉपी किया हमारी। और बाई चांस कोई करेक्शन इसमें होगी तो करेक्शन आपको उसके उसमें मिलेगी कि उसने आँख बंद करके कॉपी किया होगा, वो करेक्शन छोड़ दिया होगा, अगर कोई करेक्शन होगी तो। वैसे है नहीं, बिल्कुल ठीक है। बोलो अब डाउट्स। अब ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने आगे के किसी चैप्टर के क्वेश्चन मिला दिए ताकि बढ़िया बन जाए। तो आगे के जिस चैप्टर के मैंने मिलाए हैं पहले वो करवाना पड़ेगा मुझे साथ साथ, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो मैं वो साथ साथ करवा रहा हूँ। वो दो एस्पेक्ट हैं, आइए जरा पेज नंबर 216 पर। ये टैक्स क्रेडिट के चैप्टर के हैं, दो क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो मैंने इस को उसमें मिक्स किया हुआ है। 216 पर क्वेश्चन नंबर 3 देखो पहले। एक्सप्लेन अवेलेबमेंट ऑफ टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कमीशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम। टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कमीशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम 18(1)(c)(40). एनी स्टूडेंट शिफ्टेड फ्रॉम कमीशन टू नॉर्मल स्कीम सच पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रेस्पेक्ट ऑफ इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक सेमी फिनिश फिनिश्ड गुड्स एंड ऑन कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम विच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स। टैक्स क्रेडिट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड बाई 5% पर क्वार्टर ऑफ ए ईयर or part thereof from the date of invoice. For this purpose, the applicant has to submit form number ITC-01 within 30 days from the date on which he becomes liable to take, eligible to take ITC.
फॉर द आई टी सी शुड बी वेरीफाइड बाय चार्ट अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट इफ टोटल अमाउंट ऑफ आई टी सी एक्सीडिंग 2 लाख एज पर 18(2) टैक्स क्रेडिट शैल बी अलाउड मैक्सिमम विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस 2.9 quarter मीन्स ए पीरियड कंप्राइजिंग 3 कॉन्सिक्यूटिव कैलेंडर मंथ एंडिंग ऑन द लास्ट डे ऑफ मार्च जून सेप्टेम्बर दिसंबर इतना रीड करिए देखो ये पॉइंट ना कंपोजिशन स्कीम में कहीं आया था सीरियल नंबर बताओ कितना था कंपोजिशन स्कीम में पॉइंट कहीं आया था सीरियल नंबर बताओ कहाँ है कितना था 7 11 11 11 शिफ्टिंग कहाँ से हो रही है कंपोजिशन टू नॉर्मल और उल्टा और नॉर्मल टू कंपोजिशन ये पॉइंट भी आया था ये कितना नंबर था 8 नंबर ठीक है यानी ये जो पॉइंट्स वहाँ आए थे ना उनके प्रैक्टिकल यहाँ आए हैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशन सेक्शन 18(1)(c) में दिया हुआ है और इसका 18(1)(d) में दिया हुआ है प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है उसका यानी ये थ्योरेटिकल है ये प्रैक्टिकल है दोनों में डिफरेंस इतना ही है वहाँ लिखा था आप शिफ्ट करेंगे कहाँ से कंपोजिशन टू नॉर्मल तो जो आपके पास सामान बचा हुआ है उसका आप टैक्स क्रेडिट ले सकते हो है ना कैसे लेंगे प्रैक्टिकल 18(1)(c) कह रहा हम बताएंगे कैसे लोगे और अगर आप नॉर्मल से कमीशन जो लिया था वापस करो कैसे करेंगे 18(1)(d) कह रहा हम बताएंगे कैसे करोगे तो दो सेक्शन ये हैं उसी का प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है तो अगर रॉ मटेरियल है फिनिश्ड गुड्स है वर्क इन प्रोग्रेस है कोई प्रॉब्लम नहीं जितना लिया था वापस कर दो प्रॉब्लम कैपिटल गुड्स की है वो कैपिटल गुड वाला पार्ट याद करिए मैंने कहा था AC है 1 साल यूज़ कर लिया अब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा लिया तो जब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाएंगे तो मैं सारा क्यों वापस करूँगा मैं 4 साल का करूँगा ठीक है तो जब वापस करना होगा वापस वाली बात ये थी ये कैलकुलेशन तो कैपिटल गुड्स का सेम आएगा इनपुट्स में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं स्टॉक इन ट्रेड में कोई प्रॉब्लम कैपिटल गुड्स में दोनों में प्रॉब्लम कैपिटल गुड्स में है या तो वापस करना है ना लिया हुआ था तो वापस का प्रिंसिपल सेम रहेगा सामान बेच दूँ तो भी सेम रहेगा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो भी सेम तीनों में सेम रहेगा तीनों में कॉमन क्या है कैपिटल गुड्स का टेस्ट लिया था वापस करो तीन अलग अलग कारण क्या है पहले तो नॉर्मल में थे तुमने ले लिया अब कंपोजिशन में आए अब किस बात का वापस करो तुमने तो सामान बेच दिया ले लिया था वापस करो तुमने तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया वापस करो सेम प्रिंसिपल है तीनों में से कोई क्वेश्चन आ जाए कैलकुलेशन वही होगा मेन बात क्या है कैपिटल गुड्स का टेस्ट लिया था वापस करो वापस करने के 3 कारण कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया वापस करो सामान बेच दिया वापस करो नॉर्मल से कंबशन में आ गए जब नॉर्मल से ले लिया कंबशन में किस बात का वापस करो तो ये पार्ट तो सेम आएगा ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा नहीं लिया था अब ले लो पहले कंबशन में नहीं लिया था अब ले लो अब कितना ले लो सेम प्रिंसिपल है लाइफ कितनी मानी जाएगी 5 ईयर लाइफ कितनी मानी जाएगी 5 ईयर जितना टाइम निकल चुका है उसका छोड़ के बाकी ले लो जितना टाइम निकल चुका है उसको छोड़ के बाकी वापस कर दो देखो 1 साल निकल चुका लेना है बचे 4 साल का ले लो 1 साल निकल चुका बचे 4 साल का वापस कर दो समझ रहे हो बात को कंपोजिशन स्कीम में था मैंने AC लिया था तो टेस्ट रेट तो मुझे मिला नहीं अब नॉर्मल में आ गया मिलेगा कि नहीं मिलेगा 5 साल का मिलेगा नहीं 1 साल छोड़ के 4 साल का ले लो मैं नॉर्मल स्कीम में था मैंने ले लिया 1 साल कंपोजिशन में आ गया तो उसे 4 साल का जो बचा हुआ वापस कर दो तो इसमें 4 साल का वापस कर दो इसमें 4 साल का ले लो प्रिंसिपल इज द सेम लेकिन जब हम वापस करते हैं तो मंथ के हिसाब से और जब लेते हैं तो क्वार्टर के हिसाब से डिफरेंस यही आएगा कैलकुलेशन लगभग सेम आएगी
अगर 5 ईयर की बात करूं तो मंथ कितने, क्वार्टर कितने, एक ही बात तो हुई। तो कह रहे हैं जब यहाँ पे वापस करोगे 60 मंथ है, टेस्ट रेट को डिवाइड करो 60 से, मल्टीप्लाई करो 48 से जो हमने कैलकुलेट किया था पहले, कर दो वापस, करेक्ट, पहले कर चुके हैं कैलकुलेशन, पुराना याद होना चाहिए। और अब लेना है, एक साल की बजाय कह रहे हैं 4 क्वार्टर निकल गए, 16 क्वार्टर का ले लो, तो टेस्ट रेट डिवाइड बाई 20 × 16 ले लो, फिगर तो सेम आएगी, थोड़ा डिफरेंस आएगा राउंडिंग ऑफ का, ध्यान है इसमें हमने कहा था बचे टाइम पीरियड से मंथ हटा दो, इसमें से क्वार्टर हटेगा तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, बेटर था दोनों में एक सिस्टम रहता है। ये क्या बात मेरी, लेना है तो बचे क्वार्टर का ले लो, देना है तो बचे मंथ का दे दो, बात तो एक ही बनेगी, तो बस यही डिफरेंस आएगा, हम बचे क्वार्टर का लेंगे, राउंडिंग ऑफ होगी, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। अब देखो क्या लिखा है, इफ एनी रजिस्टर्ड पर्सन हैज शिफ्टेड फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू नॉर्मल स्कीम, तो ले लेना भाई जो बचा है, सच पर्सन शैल बी एंटाइटल टू टेक राइट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट टू इनपुट सेल्ड इन स्टॉक सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड ऑन कैपिटल गुड्स ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट फ्रॉम व्हिच ही बिकम्स लायबल टू पे टैक्स, राइट ऑन कैपिटल गुड्स शैल बी रिड्यूस्ड, देखो ये लिखा हुआ है 5% पर क्वार्टर या पार्ट रिड्यूस कर लो, 3 क्वार्टर 10 दिन है तो 4 क्वार्टर मान के 20% रिड्यूस कर दो, 80% ले लो, 3 क्वार्टर 1 महीना है तो भी, 3 क्वार्टर 2 महीने है तो भी, 4 क्वार्टर पूरे हैं तो भी, बस ये डिफरेंस आता है राउंडिंग ऑफ का। अब इसका पहले प्रैक्टिकल देखो, एग्जांपल 1, मिस्टर रजिस्टर्ड टैक्स पर्सन वाज पेइंग टैक्स एट कंपोजिशन स्कीम अप टू 30 जून और फ्रॉम 1 जुलाई मिस्टर बिकम लायबल टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल स्कीम, मिस्टर इज एलिजिबल फॉर ITC ऑन इनपुट्स हेल्ड इन स्टॉक, इनपुट्स कंटेनिंग सेमी फिनिश्ड फिनिश गुड्स एंड हेल्ड इन स्टॉक ऑन कैपिटल गुड्स एज ऑन 30 जून ITC एंड ITC ऑन कैपिटल गुड्स विल बी रिड्यूस्ड बाय 5% पर क्वार्टर। अब एक्चुअल कैलकुलेशन एग्जांपल 2 में है, वो प्रिंसिपल था, मिस्टर इज ऑप्टेड कमीशन स्कीम एट द टाइम रजिस्ट्रेशन एंड परचेज प्लांट मशीनरी 30 लाख, पेड इनपुट टैक्स 18% एंड टैक्स रेट वॉज नॉट अलाउड आफ्टर पीरियड ऑफ 9 मंथ 10 डेज, यानी 4 क्वार्टर मानेंगे, डीलर एज ऑप्टेड फॉर पेमेंट इंटर सेक्शन 9 नॉर्मल स्कीम। अब कैलकुलेशन देखिए, ए पार्ट का पहले कैलकुलेशन देख लो, टोटल जो टैक्स हमने लिया है, टोटल टैक्स है 540, तो 4 क्वार्टर का कम कर लो, 540 हर क्वार्टर का 5% है इंटू 4, इतना कम करके बैलेंस ले लो 432। बी पार्ट में वो कह रहे हैं मान लो 11 मंथ 20 डेज है तो भी कोई बात नहीं, तो भी 4 क्वार्टर ही बनेंगे, तो भी सेम फिगर आएगी। ये एग्जाम्पल 2 रीड कर लो, रीड करना है फुल कंसंट्रेशन से, कोई सोचे बैठे बैठे समझ में आ जाएगा ऐसा नहीं है, बैठने के साथ साथ दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत नहीं पूरा। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा केस क्या है, शिफ्टिंग कहाँ से, कंपोजिशन टू नॉर्मल, करेक्ट, 1/4/23 प्लांट मशीनरी खरीदा 50 लाख का, GST दिया 10 लाख, मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ, मैंने ITC नहीं लिया, करेक्ट, फिर मेरी लिमिट क्रॉस कर गई, वो लिमिट क्रॉस की है लेट्स सी 1 फेब 24 को,
अब मैं कंपोजिशन से चला गया हूँ नॉर्मल स्कीम में, ठीक है। तो नॉर्मल में आने के बाद मैं कह रहा हूँ मुझे टेस्ट एड दो, वो से ले लो टेस्ट एड, बताओ कितना टाइम निकल गया तुम्हारा। तो मैंने कहा भाई तीन तो क्वार्टर पूरे निकल गए और एक मंथ निकल गया, करेक्ट, ठीक है, उनसे राउंड ऑफ करके बताओ, चार क्वार्टर। तो भाई 10 लाख आईटीसी था तो चार क्वार्टर का कम कर दो, या तो चार का कैलकुलेट करके टोटल में से माइनस कर लो, एक ही बात है, या बचे हुए का कैलकुलेट कर लो, एक ही बात है। मैं 16 क्वार्टर का कैलकुलेट कर लूँ, एक ही बात है। एक क्वार्टर का 5% है तो 16 क्वार्टर का कितना बना, 80%, ठीक है, ये ले लो। या जो एक्ट कह रहा है, एक्ट कह रहा है इंटू चार क्वार्टर का कितना 20%, टोटल में से 10 लाख में से ये माइनस करके बैलेंस ले लो, फिगर तो सेम आएगी। एक्ट में लिखा है जितने क्वार्टर निकल गए उतने क्वार्टर का कम कर दो और डिफरेंस को ले लो, या ये कह दे जितने क्वार्टर निकल गए बैलेंस का डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, तो एक ही बात है। और परसेंटेज ना करो, क्वार्टर से कर लो, डिवाइड बाय 20 कर दो, इंटू 16 कर दो, तो भी फिगर सेम है, करेक्ट और नॉट। डिवाइड कर दो 20 क्वार्टर से, मल्टीप्लाई कर दो 16 क्वार्टर से, सेम फिगर आएगी। वो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन है, आराम से आप रीड कर लो, कोई जल्दी नहीं है। संडे आप भी फ्री हो, मैं भी फ्री हूँ, आराम से रीड कर। जिसको डाउट है पूछ लीजिएगा। अब इसमें एक सेंटेंस और लिखा हुआ है, वो कह रहे भी जो इनवाइसेस ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुरानी है उसका तो मिल जाएगा, जो 1 साल से ज़्यादा पुरानी है उसका नहीं मिलेगा। जैसे प्लांट मशीनरी में 2 साल से यूज़ कर रहा था तो उसे अब नहीं मिलेगा, इतना पुराना कौन चेक करेगा। 6 महीने पहले लिया था ले लो, 8 महीने पहले ले लो, साल भर पहले तक ले लो, बहुत पुरानी इनवाइसेस की चेकिंग कौन करेगा, वो हम नहीं देंगे। वो सेंटेंस में रीड करता, देखिए सेक्शन 18(2) टेस्टेड शुड बी अलाउड मैक्सिमम विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ इनवाइस। और अगर ये जो टैक्स रेट आपने कैलकुलेट किया है छोटा मोटा अमाउंट अपने आप ले लो, अगर 2 लाख से ज़्यादा है फिर आप चेक करवा के लाओ कि आप तो आपने गलत कैलकुलेशन कर रखी हो, किससे चेक करवाएं, वेरीफाई करवा के लाओ, चाहे चार्ट अकाउंटेंट से चाहे कॉस्ट अकाउंटेंट से, किसी से भी करवा लाओ, हम आपको नहीं देंगे। इतना हैवी अमाउंट है, हमें कैलकुलेट करने का टाइम नहीं है, आपको कैलकुलेट करना आता नहीं है, तो एक्सपर्ट के पास जाओ, कैलकुलेट करवा के लाओ और हमें सबमिट करो फॉर्म ITC-01, इसके बेस पे हम आपको आपके क्रेडिट लेजर के अंदर पैसा ट्रांसफर कर देंगे। देखिए डाउट्स, बोलो डाउट्स यहाँ तक। हाँ जी, देखो मैं कंपोजिशन स्कीम में हूँ और आज 1 फरवरी 2024 को 150 लाख क्रॉस हो गया, तो कह रहे इससे जस्ट पहले आज की डेट में जो आपके पास सामान बचा है आप टेस्टेड ले सकते हैं ऑन द डे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डे
when you have become when you are shifting to the normal scheme. Ineligible for composition, eligible for normal, उसके just पहले वाले दिन जितना सामान है लिस्ट बना लो, ले लो. और अगर कैपिटल गुड्स है तो ये कैलकुलेशन कर लो, और वो टैक्स रेट 2 लाख तक है अपने आप ले लो. ज़्यादा है तो हो सकता है मिस्टेक की हो, आपने चेक कराओ. लेकिन जिसका लोगे वो इनवाइस बहुत पुरानी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुरानी, ये मीनिंग है. ठीक है, बोलो डाउट. हाँ जी, ये अंत बताओ बताओ, मतलब डाउट, हालचाल नहीं पूछ रहा मैं तेरा. मेरे क्या और बताओ, कह रहा और बताओ, मतलब डाउट और बताओ. नहीं है, एक छोटी सी बात और बताऊंगा फिर ब्रेक करेंगे. कुछ बच्चे सोच रहे हैं बोलो ना सर ब्रेक हो गया, नहीं हुआ अभी, हो रहा है, हो रहा है, एक मिनट में हो रहा है. देखो मैं बुक्स की सेल करता हूँ, बुक्स की दुकान है मेरी. तो बुक्स वाले को तो भाई रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाना. कंपोजिशन स्कीम तो आएगी कि नहीं, इसकी एग्जम्प्ट आइटम है. तो मेरी टर्नओवर है 60 लाख, ठीक है, मैंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया. एसी मेरे पास है, इसका मुझे आईटीसी मिलेगा? नहीं मिलेगा. गवर्नमेंट ने अचानक आज डिक्लेयर किया बुक्स आर टैक्सेबल फ्रॉम दिस डेट, आज से टैक्सेबल है. तो टैक्सेबल है तो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि टर्नओवर एग्रीगेट टर्नओवर निकालने में एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल दोनों लेना है. टैक्सेबल आज से हो गई, एग्जेम्प्ट ऑलरेडी 60 है, सब मिला के रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा. करेक्ट और नॉट? तो ये केस क्या कहलाता है, एग्जेम्प्ट सप्लाई हैज बिकम टैक्सेबल. अचानक कभी भी कोई भी एग्जेम्प्ट अचानक गवर्नमेंट कह देगी टैक्सेबल है, ठीक है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, टैक्स दे देंगे. तो टैक्स देने के टाइम पे गवर्नमेंट ने मुझसे पूछा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कौन सी स्कीम में आओगे, मैंने कहा नॉर्मल में आऊँगा, वी एग्रीड. अब मैंने कहा जो मेरे पास एसी बचा है जिसका आईटीसी नहीं लिया था उसका मुझे आईटीसी दो, यस और नो? यस. और सिस्टम वंस अगेन सेम केस बन जाएगा, कंपोजिशन टू नॉर्मल या एग्जाम टू टैक्सेबल, इट इज़ द सेम थिंग 100%. तो इस क्वेश्चन में भी डिस्कस कर सकते थे, लेकिन वो क्वेश्चन इसके आगे लिख दिया, आप बुक में नोट कर लेना कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आर द सेम. 216 के टॉप पे भी लिख दो, 217 के टॉप पे भी लिख दो, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 आर द, नहीं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आर द सेम. लिख दो, मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन 4 आर द सेम, 100% कॉपी पेस्ट है, 100% कॉपी पेस्ट है 3 और 4, जो उसमें वो इसमें. फ़र्क क्या है, 3 में है कंपोजिशन टू नॉर्मल, इसमें एग्जम टू टैक्सेबल. बेशक लिख लो, 3 के ब्रैकेट में कर दो C2N और 4 के ब्रैकेट में कर दो E2T. ई टू टी में जाए तो भी यही बात है, C2N में आए तो भी यही बात है. इधर आओ, बच्चे जवाब देंगे, मैं नहीं दूंगा, इधर आओ. सुनिए भाई एक क्वेश्चन इनका, ध्यान से सुनना. सर 1 साल से ज़्यादा की पुरानी तो इनवॉइस चलती नहीं है, तो अगर 1 साल से पुरानी ज़्यादा इनवॉइस चलेगी नहीं तो ये 5 साल का जो था कि उतने में से क्वार्टर में देखेंगे वो कहाँ से चलेगा? एक साल से पुरानी इनवॉइस नहीं चलेगी तो जो 5 साल से क्वार्टर में देखना तो वो कहाँ से हो सकता है? ये कह रहे हैं 1 साल के ऊपर जब टेस्ट मिलेगा ही नहीं तो 5 साल की बात क्यों की, ये कह रहे हो? तो अगर 5 साल की बात ना करें तो क्या काम चल जाएगा, ये आपको बताना है. क्या 5 साल की बात करने की जरूरत है, ये आपको बताना है. कौन बताएगा? हाँ जी ईशा बताओ. अगर 5 साल को हटा दें तो क्या कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? यस ईशा बताओ. रिमेनिंग टाइम कैलकुलेट कैसे होगा? मान लो 6 महीने निकले हैं, रिमेनिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 साल हटा दे तो
फिर ये 5% कैसे आएगा अगर 5 साल हटा देता हूँ, 5% कहाँ से आया, 5 साल से तो आया है। तो जिसका 1 साल नहीं हुआ, 5 साल की बात ना करें तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगे बताना जरा, उसका सारा कैलकुलेशन तो 5 साल से कर रहे हैं, 5% पर क्वार्टर कहाँ से आया? क्लियर सर। फिर चलो अब ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाय प्लीज, पेज नंबर 216, पेज नंबर 216। पेज निकालिए। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 बताइए क्लियर हुआ कि नहीं, बोथ आर सेम। ये C2N है और ये E2T है। एक चीज़ नोट करना, दोनों में रूल देखो, रूल क्या है, रूल दोनों में सेम है, रूल 40। कैबरूट्स का कैलकुलेशन रूल 40 में है, इसमें भी रूल 40, इसमें रूल 40, सेक्शन बदल दिया लेकिन रूल सेम है। तो रूल 40 किसका है? टू अवेल, पहले नहीं लिया था अब ले लो, टू अवेल, रूल 40। अवेल वाले में कैलकुलेशन क्वार्टर के हिसाब से है, क्वार्टर, और वापस करने वाले में मंथ के हिसाब से है। अब वापस करने वाला देखो, दोनों क्वेश्चन में लिख लेना, ऑलरेडी कवर्ड, जब ये चैप्टर आएगा तो मैं दो क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ठीक है? किसी को डाउट है अभी पूछ सकते हो। आगे देखिए, अब पेज नंबर 218, क्वेश्चन नंबर 5। अब ये उल्टा है, अब ये एन टू सी है, वापस करो मंथ के हिसाब से, वापिस करो मंथ के हिसाब से। कैलकुलेशन ऑलरेडी मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, इसका रूल है 44, वापिस करने का 44, लेने का 40, लेने का क्वार्टर के हिसाब से, देने का मंथ के हिसाब से। वापिस कब करना पड़ता है? नॉर्मल टू कमीशन या एसेट का सेल, 18(6) ऑलरेडी डिस्कस किया था, या रजिस्ट्रेशन कैंसल। और एक और ऐड कर देता हूँ, चौथा केस, टैक्सेबल टू एग्जेम्प्ट, पहले टैक्सेबल था अब एग्जेम्प्ट कर दिया, उसे वापस करो। चार केस, वापस देने के 4 हैं, लेने के 2 हैं, लेने के 2, देने के 4, लेने के देने, ठीक है? देने के 4, चारों में रूल 44 मंथ के हिसाब से। चार केस कौन से? नॉर्मल टू कंपोजिशन, वापस सेल कर दिया, वापस सर्टिफिकेट कैंसिल, वापस टैक्सेबल था पहले ले लिया, अब एग्जेम्प्ट हो गया वापस। चार केस देने के हैं, एक्ट में 4 जगह लिखा हुआ है, हमने भी 2-3 जगह लिख डाला, लेकिन आप जब पढ़ोगे आपको कि ये यहाँ लिख रखा है, ये यहाँ लिख रखा है, ये यहाँ लिख, तो मैं पढ़वा के लिखवा दूँगा सेम जैसे इसमें लिखवाया, 3 और 4 सेम जैसे इसमें अभी लिखवा दूँगा, कौन कौन से सेम, नहीं तो बार बार वही चीज़ रीड करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा। उन्होंने क्या किया, सेक्शन बदल के रूल यही रख दिया। देखो दोनों में चेक कर लो एक बार, रूल 40 है कि नहीं है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 में देख लो, रूल 40 है, लेने का रूल 40 है और देने का रूल 44 है। देने वाले में 4 सिचुएशन बता रहा हूँ, चारों में रूल 44 है, 29(5) रजिस्ट्रेशन कैंसिल वाले में भी यही था 44, सेल कर दिया 44, इसमें भी 44। लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन रिवर्सल ऑफ टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्मल टू कंपोजिशन और वेयर टैक्सेबल बिकम्स एग्जेम्प्ट। एक ही बात है, रूल 44, पहले हमने जो किया था वो क्वेश्चन नंबर 6 किया था, इसके बॉटम में देखो क्वेश्चन नंबर 6 लिखा, इसके ऊपर ऑलरेडी डन के नहीं लिखा, लिखा है ना ऑलरेडी डन, ये और ये सेम है, 5 और 6 सेम है, और 29(5) वो भी सेम था, वो भी यही कैलकुलेशन है। अब देखो रीड करते हैं, वेयर एनी पर्सन हु हैज अवेल्ड इनपुट एज क्रेडिट नाउ ऑप्ट्स टू पे टैक्स अंडर कमीशन स्कीम और वेयर टैक्सेबल पर्सन बिकम्स एग्जेम्प्ट ही शैल पे एन अमाउंट इक्वल टू द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टॉक इन केस ऑफ कैप गुड्स रिमेनिंग टैक्स रेट हैज टू बी रिवर्स टेकिंग लाइफ टू बी 60 मंथ
यहाँ पे मंथ का कैलकुलेशन है, वहाँ पे क्वार्टर का। अब एग्जांपल वन देखिए, एबीसी मीट परचेज वन प्लांट मशीन 20 लाख, पेड इनपुट है 3 लाख, इट इज़ बीइंग यूज फॉर टैक्सेबल बट आफ्टर 1 ईयर एंड 2 मंथ 10 डेज यूज फॉर एग्जम्प्टेड गुड्स इन दिस ट्रस्टेड शैल बी रिमेनिंग लाइफ, पहले कैलकुलेट कर लो, फिर रिमेनिंग लाइफ को राउंड ऑफ कर दो, 45 मंथ 20 डेज हटा दो, 45 मंथ डिवाइड बाई 60 × 45 कैलकुलेशन हो के आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में देख लो, सेम कैलकुलेशन है। तो आप दोनों पेज पे लिखो 218-219 के टॉप पे क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 आर सेम। सेम के केस भी लिख देता हूँ, ये जो है कंपोजिशन 2 है नॉर्मल, या उल्टा लिखा मैंने, नॉर्मल टू कंपोजिशन, दूसरा है टैक्सेबल टू एग्जम्प्ट, और क्वेश्चन नंबर 6 में था सेल ऑफ कैपिटल गुड्स, 7 में था कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 29(5). ये दोनों क्वेश्चन 6 में है, दोनों क्वेश्चन 5 में है, चारों केस सेम। देखो क्वेश्चन 5 में नॉर्मल टू कंपोजिशन है, टैक्सेबल टू एग्जम्प्ट है, क्वेश्चन 6 में सेल ऑफ कैपिटल गुड्स है या कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन 29(5), चारों केस सेम है, चारों में रूल 44 लगता है, रूल भी लिख देता हूँ, मेन बात रूल 44 है, इन चारों में रूल 44 लगता है। 44 बता रहा है वापिस कैसे करना है, रूल 44। देखो अब कोई स्टूडेंट समझे, सोचे कि मैंने क्लास में समझ लिया, बात ख़त्म, कोई बात ख़त्म नहीं है, ये तो घर पे जाके तसल्ली से, जहाँ पे शांति हो, कोई शोर ना हो, घर के मेंबर दूसरे कमरे में बैठे, वहाँ पे इसको निकाल के 15 बार सोचना, समझना, ऐसा क्यों है, इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिकल है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिमाग के अंदर घुसता है, नहीं तो नहीं घुसेगा, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसे सोचना, कम से कम 1-1.5 घंटा लगाना पड़ेगा। कुछ आस्पेक्ट ऐसे हैं जल्दी से समझ में नहीं आते, कुछ ऐसे सिंपल होते हैं 1 मिनट में समझ में आ जाते हैं, तो आपकी मर्जी है, किसी को लगता नहीं मैं तो सुपर इंटेलिजेंट हूँ, एक बार मैंने पढ़ लिया बस पढ़ लिया, हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, तो आपकी मर्जी है। वैसे मेरे हिसाब से टाइम चाहिए, क्यों जयंत, टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए ना, तो टाइम लगा लीजिए आप। अब जिसको डाउट है बोलो, वो तो भाई IQ तो देखो हर बच्चे का अलग अलग है, कोई एक बार में समझेगा, कोई 2 बार में, फिर रिटेन करना होता है, कुछ का तो सुनते समझते रिटेन हो जाता है, उसको टाइम है, वो अपना अपना देख लेना आप जैसे जैसे है, ठीक है। मेरे हिसाब से टाइम चाहिए, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो जाती है जब अच्छे से ना पढ़े तो। अब आप डाउट पूछ लो सारे में, फिर हम वापस वहीं जाएंगे, कंपोजिशन का चैप्टर खत्म हो गया था, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आएंगे, एक बार देख लो पहले। हाँ जी ज्योति बताओ, नहीं चलो वापस आओ, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में आओ, अब कंपोजिशन के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आप करके देख लेना, सब में ये मिक्स था, सारे प्रैक्टिकल हो जाएंगे, और बढ़िया प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ आपको, सब मिक्स करके और बार बार उसको बदल के बी पार्ट में कर दिया, सी पार्ट में कर दिया, डी पार्ट में कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बहुत कोशिश किया है आपको कन्फ्यूज करने की मैंने, तो आप अगर इनको सॉल्व कर लोगे पूरा GST आ जाएगा, आधे से ज़्यादा GST सी में है। अब आप आएंगे पेज नंबर 148 पर, रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है, सेक्शन 22 थ्रेशोल्ड एग्जम्पशन, मतलब लिमिट, एवरी सर्व गुड सर्विसेज सेल बी लायबल टू रजिस्टर्ड इन द स्टेट यूनियन टेरिटरी इफ इज एग्रीगेट टर्नओवर, देखो फिर आ गया एग्रीगेट टर्नओवर, और मॉडिफिकेशन क्या है, इंटरेस्ट को भी लेना है, सर्विस नहीं गुड्स मानना है, लिमिट क्रॉस करे तो। देखो मैंने 40 लाख बताया था ना, ये अलग अलग है हर एक स्टेट की, मणिपुर में गुड्स की भी 10 है और सर्विसेज की भी 10 है, दोनों यूज़ करेंगे तो भी 10 है, मिजोरम में 10, नागालैंड में 10, त्रिपुरा 10, अरुणाचल प्रदेश 10, अरुणाचल प्रदेश में 10 नहीं 20 है, गुड्स की भी सर्विसेज की भी, गुड्स और सर्विस दोनों की भी, इस तरह से 10 उत्तराखंड तक सेम है, 11वें नंबर से बदलेगा, ओनली सर्विसेज या गुड्स प्लस सर्विसेज, बाकी सब स्टेट में 20 है, प्योरली गुड्स 40 है, और ये आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम में पता नहीं कौन सी स्टेट दे देते हैं, लिमिट नहीं बताते, लिमिट आपको पता होना चाहिए, तो आप 2 मिनट लगा लो, याद कर लो कौन सी स्टेट में कितनी लिमिट है, छोटी स्टेट्स ने लिमिट कम की हुई है, बड़ी स्टेट्स ने ज़्यादा की हुई है,
जहाँ पे बिजनेस ज़्यादा उन्होंने ज़्यादा कर दिया, जहाँ बिजनेस कम है उन्होंने कम कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया डाउट? यहाँ तक जिन स्टेट्स में बिजनेस नहीं है ना, उन्होंने लिमिट कम किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख लो। और जिन में बिजनेस ज़्यादा, उन्होंने लिमिट ज़्यादा किया। अब कुछ सामान जो हमने कंपोजिशन स्कीम में डिस्कस किया था, आइसक्रीम, एडिबल ऑयल्स, फ्लाई एश ब्रिक्स, क्योंकि इनमें परचेज पर भी टैक्स नहीं आया और सेल, तो इसमें लिमिट सभी ने कम कर दी। 4 स्टेट्स ने तो 10 कर दिया, बाकी सभी ने 20 लाख कर दी। यानी दिल्ली में कोई टोबैको बेचेगा, बताओ कितनी लिमिट? 20 लाख। पान मसाला 20 लाख। और अगर आइसक्रीम बेचेंगे 20 लाख। एडिबल ऑयल्स 20 लाख, क्योंकि इनके ऊपर ना इनपुट पे भी नहीं लगता उसे, ना इनपुट पे ना आउटपुट पे, इसे लिमिट डिफरेंट है। ये वाला पार्ट तो याद करने का हुआ, समझने वाला कुछ नहीं हुआ। ये तो आपको क्रैमिंग करनी है, आप कर लोगे। ये याद करने वाला पार्ट है, ये रटना पड़ेगा आपको, इसमें समझने वाला कुछ नहीं। डाउट पूछो, आगे चलते हैं। आगे देखिए, जो 20 लाख 40 लाख टर्नओवर है कैसे निकालेंगे? पहले तो नॉर्मल डेफिनेशन दे रखी है, फिर चेंज क्या किया कि भाई इंटरेस्ट को भी इंक्लूड कर लेना, लेकिन सर्विसेज नहीं गुड मान लेना। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन ऑलरेडी हमने की हुई है, नॉन टैक्सेबल की ऑलरेडी हमने की है। और फिर एग्जाम्पल देख लो, मिस्टर एक्स सप्लाइंग गुड्स इन दिल्ली, टर्नओवर 32 लाख है। इसके अलावा इंटरेस्ट भी लिया 2 लाख का, क्या इसको भी ऐड करेंगे? ऐड करेंगे। तो क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? नहीं, 40 लाख क्रॉस नहीं किया। लेकिन फिर वो कह रहे चेंज करो, गुड्स का 39 है, 2 लाख इंटरेस्ट है, क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए? चाहिए। तो पहले यहाँ तक देख लो। टर्नओवर की एक जनरल डेफिनेशन है, कंपोजिशन में मॉडिफाइड है, रजिस्ट्रेशन में मॉडिफाइड है, ऑडिट में सेम है, क्योंकि ऑडिट में मॉडिफाई की जरूरत नहीं है, ऑडिट सेम है। ऑडिट इनकम टैक्स में कितने अमाउंट के ऊपर करवाना है? गुड्स में 1 करोड़, बिजनेस में, सर्विस में 50 लाख। बाकी जो 444 AD में आ जाएगा वो ऑडिट से माफ़ है, 444 AD में 2 करोड़ तक। फिर अब की बार एक क्लॉज इसमें और आ गया था कंडीशन के साथ, 3 करोड़ तक। ये तो इनकम टैक्स का है। GST में था पहले 2 करोड़ के ऊपर वो ऑडिट करवाना है, पहले चेंज करके कर दिया 5 करोड़ के ऊपर करवाना है। अब कह दिया नहीं, जिसको हम कहेंगे वो ऑडिट करवाएगा, नहीं तो नहीं करवाना। जिसको नोटिस भेजेंगे उसका ऑडिट होगा, जनरल ऑडिट नहीं होगा। ये ख़त्म कर दिया उन्होंने ऑडिट के अंदर। पहले 2 करोड़ के ऊपर था, लोगों ने कहा बहुत प्रॉब्लम है, 5 करोड़ कर दिया, प्रॉब्लम में हटा दिया। जिसको हम कहेंगे, जिसको हम कहेंगे वाली बात थोड़ी और देख लो आप। जिसको हम कहेंगे, किसको कहेंगे, कैसे कहेंगे, क्यों कहेंगे? इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 142 2A, ये 1984 तक था। 1984 में था, आपकी लिमिट कितनी भी हो, टर्नओवर कितनी भी हो, आपको ऑडिट नहीं करवाना अगर हम कहेंगे। ये इनकम टैक्स का पुराना सेक्शन है, ये 1961 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो 61 से 84 तक था, हम कहेंगे तो, नहीं तो नहीं। हम तभी कहेंगे, कीपिंग इन व्यू एग्जैक्ट वर्ड एक्ट में लिखा हुआ, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दी अकाउंट्स। आपने जो अकाउंट सबमिट किया है इतने कॉम्प्लेक्स समझ में नहीं आ रहे, कीपिंग इन व्यू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स यू मे बी डायरेक्टेड फॉर ऑडिट। और यही कॉपी पेस्ट करके GST में डाल दिया, कीपिंग इन व्यू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स। लेकिन जो हम अपने आप ऑडिट करवाते हैं उसमें जो ऑडिटर हैं वो हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, यहाँ से वो सेलेक्ट करके भेजेंगे, यही ऑडिटर है। फिर वो ऑडिटर असली ऑडिटर होते हैं, फिर उनका स्टाइल देखने वाला होता है, फिर वो हर बात में झाड़ते हैं, ये कैसे किया, वो कैसे किया, ये क्या किया, वो क्या किया, हाथ जुड़वा के रखते हैं। और दुनिया भर की वो बनाते हैं, दुनिया भर का वैसा वैसा सब बना के जाते हैं। जो हमने रखे हैं वो तो कुछ नहीं कहते, उनको पता है कुछ बोला तो हटा देंगे। तो इन ऑडिटर उन ऑडिटर में फ़र्क है। तो अब ये GST में ये वाले ऑडिटर आएंगे, ये वाले आएंगे तो छोड़ेंगे नहीं, जो कुछ सही है उसमें भी कमी निकाल देंगे। ये बदल दिया ऑडिट इसमें, GST में ये चेंज कर दिया, लिमिट का सिस्टम हटा दिया। इनकम टैक्स में 84 में ये हटाया था, लिमिट का सिस्टम आया था। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ तक किसी को डाउट।
जिसके पास नोटिस आएगा उसको ऑडिट करवाना, नोटिस नहीं आएगा नहीं करवाना। नोटिस तभी आएगा कीपिंग इन व्यू द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अकाउंट्स, कितने कॉम्प्लिकेटेड आपने अकाउंटिंग कर रखी है, समझ में नहीं आ रहा, ऑडिटर ही समझेंगे इसको, ठीक है। डाउट देखो यार, आगे देखिए सेक्शन 23, एक्सप्लेन पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 23, ओनली पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, पर्सन एंगेज एक्सक्लूसिव इन बिजनेस ऑफ सप्लाइंग गुड सर्विस और बोथ आर नॉट टैक्सेबल, नॉट लायबल टैक्स और होली एग्जम्प्ट शैल नॉट बी। गोम से अगर आप 100% एग्जम्प्ट सप्लाई करते हो, मान लो मैं खाली बुक्स ही बेचता हूँ, चाहे 10 करोड़ हो, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, करवा के क्या करेंगे, टैक्स तो बनता ही नहीं आपका। एन एग्रीकल्चर इज टू द एक्सटेंट सप्लाई ऑफ प्राइस प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन, अगर फार्मर हो तुम कोई प्रोड्यूस ग्रो कर रहे हो, उसको टर्नओवर में कहीं भी नहीं लिया जाएगा, उसको टर्नओवर से बाहर कर देंगे। एग्रीकल्चर इज कौन, इंडिविजुअल HUF, पार्टनरशिप फर्म या कंपनी करेगी एग्रीकल्चर तो लेंगे उस टर्नओवर को, इंडिविजुअल HUF के टर्नओवर को छोड़ेंगे, चाहे वो खुद एग्रीकल्चर करे, चाहे पूरी फैमिली मिलकर एग्रीकल्चर करे, चाहे वो एम्प्लॉई रख ले, ठीक है, किसी भी तरह से एग्रीकल्चर कर ले, उसी की एग्रीकल्चर कहलाएगी, आपको कुछ नहीं कहेंगे। द गवर्नमेंट में अंदर रिकमेंडेशन काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ पर्सन, इसके अलावा गवर्नमेंट जिसको चाहे रजिस्ट्रेशन से माफ कर सकती है। किसको माफ किया, आगे लिखा हुआ है, एज पर नोटिफिकेशन नंबर 5/17 डेटेड 1917, गवर्नमेंट एग्जेम्प्टेड द पर्सन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन हु आर ओनली एंगेज इन मेकिंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और वो टोटल एक्शन विच इज लायबल टू पे रिवर्स चार्ज। अगर कोई सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज की, लेकिन उस पर रिवर्स चार्ज लगता है, तो रिवर्स चार्ज में टैक्स रिसिपिएंट को देना है, तो आपको भी हमने एग्जम्प्ट कर दिया, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना। तो आप एक बार रीड करो, मैं एग्जांपल से बताता हूँ सारा पार्ट। देखिए, मेरी टर्नओवर गुड्स की है दिल्ली में 45 लाख, रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं, लेकिन मेरी ये एग्जम्प्ट सप्लाई है, इस पर GST गवर्नमेंट ने माफ़ किया है, रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए, टर्नओवर जितनी मर्जी हो, जरूरत ही नहीं है। अब एक फार्मर, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो करता है, बेचता है, टर्नओवर 50 लाख की है, क्या रजिस्ट्रेशन चाहिए, नहीं एग्जम्प्ट है, लेकिन वो टैक्सेबल सप्लाई भी करता है, टैक्सेबल करता है 25 लाख का, एग्जम्प्ट करता है 20 लाख का। पहले मैं अपना केस ले लेता हूँ, मैं बुक्स बेचता हूँ 20 लाख की, स्टेशनरी बेचता हूँ 25 लाख की, क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है? एक क्लाइंट आपको कह रहा है बुक्स की मेरी सेल है 20 लाख की, स्टेशनरी भी बेचता हूँ, सारे बुक्स वाले स्टेशनरी बेचते हैं, कॉमन सी बात है, 25 लाख की, क्या मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है? कितना सोना लगता है करवाना है? तेरा हाथ नहीं खड़ा हुआ बेटा, अब हाथ खड़ा कर रहा है, करवाना है। कैसे, टेक्निकली स्पीकिंग कैसे, बिकॉज एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जम्प्ट भी आता है, नॉन टैक्सेबल भी आता है, इंटरेस्ट रेट भी आता है, एक्सपोर्ट भी आता है 2(6) में, इसलिए करवाना पड़ेगा, चेंज कर दो। ये फार्मर है, इसने सामान बेचा गुड्स 25 लाख की, तो इसने बेची है टैक्सेबल, टैक्सेबल सामान बेचा है, 20 लाख किसने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रो करके बेची है, तो उसे इसको हम टर्नओवर से हटा देंगे, इसको हटा के देखेंगे, कोई और एग्जेम्प्ट है तो ले लेंगे। मान लो कोई और सप्लाई की है फार्मर ने, एग्जेम्प्ट है तो लेना है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, एग्जेम्प्ट है, वो हम बीच में नहीं लेंगे। सेक्शन 23 कह रहा है स्पेशली हमने आपको एग्जेम्प्ट कर दिया, उसको काउंट कंसिडर नहीं करेंगे। देखो मैं सेंटेंस बार रीड करता हूँ क्या लिखा हुआ है। 23 सेक्शन क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल रजिस्ट्रेशन। अब इसका बी पार्ट डायरेक्ट पढ़ना, ए छोड़ दो, एन एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस, जहाँ तक की जी ये सप्लाई की बात है, वैसे तो एग्जेम्प्ट सप्लाई हम टर्नओवर में लेते हैं, लेकिन फार्मर तुम्हें हमने माफ़ कर दिया, यहाँ तक की सप्लाई के लिए हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, हम इस सप्लाई को हटा के देखेंगे, यानी एग्जेम्प्ट है ये तो एग्रीगेट टर्नओवर में आनी चाहिए, लेकिन नहीं आएगी क्योंकि सेक्शन 23 ने तुम्हें स्पेसिफिकली छोड़ दिया है।
करेक्ट। अब एग्रीकल्चर चाहे तुम खुद कर लो या पूरा परिवार कर ले या एम्प्लाई रख लो, कैसे भी कर लो। इसके अलावा अगर कोई सप्लाई करता है इस पर रिवर्स चार्ज है तो वो भी नहीं आएगा। रिवर्स चार्ज का मैं भी एग्जाम्पल दूंगा, एक बार रीड कर लो आप। देखो रिवर्स चार्ज वाली बात बताता हूँ, ये बात तो क्लियर होगी ना जितनी पढ़ी पढ़ी है हमने। फार्मर एब्सोल्युटली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रो किए बेची हटाओ, ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं। मेजोरिटी मिनोरिटी की बात नहीं है, देखो मैं एग्जांपल बना देता हूँ आपको। 39,50,000 बुक्स हैं एग्जम्प्ट, 60,000 स्टेशनरी है, ये कह रहे हैं मान लो ऐसे छोटा सा अमाउंट हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, टोटल करके देख लेना, ये एक्ट में नहीं लिखा हुआ। ये कम से कम टोटल का कितने परसेंट होना चाहिए, कम से कम टैक्सेबल का कितने परसेंट, ये क्यों गौर से आप 2 रुपये का भी बेच लेना। 40 लाख में सारा एग्जम्प्ट है, 5 रुपये का टैक्सेबल है, करवाओ रजिस्ट्रेशन। क्यों, रीजन क्या है, बड़े डीलर हो एग्जम्प्ट में डील करें तो क्या छोटे डीलर हो, बड़े तो हो ना, बड़े हो तो टैक्स नहीं दोगे, ये बात है। बड़ा खाली टैक्सेबल से ही थोड़ा होगा, एग्जम्प्ट से भी तो बड़ा होगा। बड़े बड़े बुक सेलर हैं दुनिया भर की, अर्निंग करते हैं, पूजा लाओ उससे पूछो आप, CH4 की बगल में अग्रवाल लाओ उससे पूछो आप, इतना लंबा छोटा बिजनेस है। और सारे के सारे बड़े बड़े बुक सेलर फिर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद पब्लिशर बन जाते हैं। टैक्समैन को देखिए किस लेवल का बिजनेस है, 1 रुपये का टैक्स नहीं है टैक्समैन का। देखो आप अगर कुछ भी टैक्सेबल कर दिया, 100 रुपये का भी रजिस्ट्रेशन करवा लो, टैक्स सारे पे थोड़ा देना है, टैक्स तो इस पर देना है। जब बिल इशू करेंगे तो इसका टैक्स इनवाइस देंगे, इसका बिल ऑफ सप्लाई देंगे, टैक्स इनवाइस इशू करेंगे तो लगेगा। वो तो कंपोजिशन वाले का है टोटल मिला के, रजिस्टर्ड का थोड़ा है, नॉर्मल स्कीम वाले का नहीं है। नॉर्मल स्कीम वाला तो भाई जो टैक्स बेचेगा उस पर देगा, एग्जम्प्ट नहीं देगा। उसे तो कंपोजिशन में आओगे तब उन्होंने कहा था मैन्युफैक्चरर और कंपोजिशन में आओगे तो टोटल पे कर दो आप। अगर आप नॉर्मल स्कीम में हो हर एक का बिल अलग अलग दो, मान लो हम कोचिंग सर्विसेज भी दे रहे हैं टैक्सेबल है, बुक्स भी दे रहे हैं एग्जम्प्ट है, तो कोई बुक्स खरीदने आता तो उसको बिल अलग से देते हैं, उसमें कोई GST नहीं होता, कोचिंग वाले पे लग जाएगा, तो दोनों अलग अलग चलते जाओ, कैसे कर लो चाहे कर लो। बनाता है नहीं, ग्रो करता है, वही एग्जम्प्ट है, जो बनाएगा टैक्सेबल है। मैं कह तो रहा हूँ टैक्सेबल है भाई, देखो ना तुम पढ़ नहीं रहे ना, देखो भाई क्या लिखा है, एग्रीकल्चरिस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ, देखो क्या लिखा है, मुझसे हम ग्रोइंग की बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं कर रहे। ग्रोइंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो मैन्युफैक्चरिंग में जाओगे, ग्रोइंग में नहीं जाओगे। जितना ग्रोइंग है उतना हमने कहा है, वो देखो ध्यान करो, रूल 7A थे ना, वगैरह वगैरह रूल थे ना, 7B और 8। तो अगर उसमें चले गए आप तो जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, वो छोड़ देंगे, और जो सेल की है दूसरे वाले की वो ले लेंगे, वही कैलकुलेशन अलग अलग करके करेंगे। तो जो कल्टीवेशन वाला हिस्सा वो छोड़ेंगे, जो मैन्युफैक्चरिंग वाला है प्रोसेसिंग वाला है वो टैक्सेबल होगा। एग्जम्प्ट है तो भी टर्नओवर में आएगा, टैक्सेबल है तो टैक्स लगेगा लगेगा, ठीक है। सिर्फ ग्रोइंग पे छोड़ा है, ग्रोइंग पे क्यों छोड़ा है, क्योंकि हाँ इनकम टैक्स में डिस्कस किया था ना, इनकम टैक्स में एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट, क्यों, क्योंकि बेचारे फार्मर की हालत आज की डेट में बहुत ख़राब है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, नहीं लगाते हैं। तो जहाँ फार्मर की बात आएगी सारी गवर्नमेंट चुप हो जाती है, क्योंकि वो पर्सन इतनी मेहनत करता है उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता, उसका एंजॉय हम सब लोग करते हैं। हमारी थाली में जो भी कुछ आ रहा है वो फार्मर का ग्रो किया हुआ है, उसका खून और पसीना हमारी थाली में होता है रोज, जिसको हम टेस्ट से खाते हैं, देते कुछ नहीं है। ये मैं एक पर्टिकुलर प्ले की लाइनें बोल रहा हूँ, उसने फार्मर को बोला भूमा, गरीब आदमी, भूमा का खून
हर रोज हमारी थाली में चावल का सफ़ेद फूल बनकर आता है। इस देश में लाखों भूमा है, हम कब तक भूमा का खून पीते रहेंगे। ये एक प्ले की लाइन में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉलेज डेज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड लिया हुआ, ऐसे नहीं है, और कॉलेज डेज के प्ले से ही बोल रहा हूँ ये। उसमें रोल मैंने प्ले किया था, डायलॉग तब याद है मुझे, इसी स्टाइल में बोले थे, ठीक है। अब देखो डॉक्टर, हाँ बजाओ बजाओ ताली बजाओ। वो एक बादल सरकार नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार, उसका लिखा हुआ नॉवल था, प्ले था, जो हमने प्ले किया था। उसके प्ले का नाम था भूमा। तो हर कोई कहता भूमा कौन। तो उस प्ले में खास बात क्या थी, पूरा प्ले खत्म होने तक सारी ऑडियंस कन्फ्यूज रहती है, भूमा किसकी बात कर रहे हैं, कौन है भूमा, किसकी बात कर रहे हैं। हिंट 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 सारे उसमें चलते रहते हैं। भूमा खेत है, भूमा खलियान है, इस देश का हर नागरिक भूमा है। बोलो कहते बनिया क्या बोल रहा है। लास्ट में जाके पता लगता है, आखिरी में जाके आखिरी सेंटेंस बोलता है, अरे वी आर टॉकिंग ऑफ द फार्मर्स। पूरा प्ले उसके ऊपर चलता है। तो वो फार्मर की बात मतलब ऐसी है कि उसमें देखो डायलॉग क्या बढ़िया था, भूमा का खून हर रोज हमारी थाली में चावल का सफ़ेद फूल बनता है। तो उसका इंटरप्रिटेशन क्या था कि जिसको हम चावल समझ के खा रहे हैं, सफ़ेद सफ़ेद नहीं है भाई, ये उसका खून है, लाल रंग का है, ये खून है उसका, जो थाली में परोसा गया है चावल बना करके, वो उसका मीनिंग था। और अल्टीमेटली वी वन द बेस्ट प्राइज ऑल्सो, सारे कॉम्पिटिशन में बेस्ट प्राइज मिला, एंड आई गोट द बेस्ट एक्टर अवार्ड ऑल्सो इन दैट प्ले। उसके साथ एक तो ये प्ले था सीरियस नोट पे, एक स्किट था चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, उस स्किट के अंदर हंसी मजाक, स्किट का मतलब होता है घटिया नाटक, वल्गर, और नाटक होता है सीरियस। तो दोनों किए थे हमने, दोनों रोल में फिट था मैं, सीरियस में भी इसमें भी। तो वो जो स्किट वाला था वो हंसी मजाक वाला था, उस हंसी मजाक वाले का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वैसे भी हंसी मजाक वाला मैं नहीं करूँगा, वो कार्टून लगूंगा मैं अगर करूँगा तो। उसमें था एक सेठ है और एक उसका मुंशी है, उनकी बातचीत हो रही है, स्टार्टिंग की दो लाइनें बताऊँ। वो नहीं मुझे याद नहीं ना, याद देखो, वो सेठ बैठा हुआ है और 10 बजे का टाइम है उसके मुंशी का आने का, और मुंशी लेट आता है। तो बैर मुंशी के तो मुझे उसके अंदर मोनो एक्टिंग में दोनों का रोल करना है, कर दो कर दो। इसका फर्स्ट आइडिया है कि तू लेट आना नहीं बंद करेगी। नहीं करूँगी। क्यों क्यों? अच्छा उसमें देखिए, वो मुंशी की एंट्री होती है, मुझे जितना याद है उतना बोलूँगा, एक उल्टा से डायलॉग भी बोल दूँ मैं। तो जैसे ही वो मुंशी आता है, वो ऐसे आता है, सेठ जी राम राम। और वो सेठ बोलता है, अरे तो आ गया, अरे तेरा आने का टाइम है, 10:02 पे है, तेरी 2 मिनट की तनख्वाह काटूंगा मैं। फिर वो कहता, तनख्वाह काटोगे, तनख्वाह काटोगे, अरे यो रखी थारी भाई और यो रखा थारा खाता, मैं ना कर रहा तुम्हारी, मैं जा रहा हूँ तुम्हारा। फिर सेठ पीछे पीछे, अरे मुंशी तो नाराज हो गया, अरे भाई नाराज हो गया, मैं मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा, आ जा जा जा, बैठ जा, बैठ 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 बैठ, काम कर। फिर वो काम करना शुरू करता है, मुंशी बोलता है, सेठ जी भाव बढ़ गए। सेठ, अरे भाव बढ़ गए, अरे कितने बढ़ गए, अरे कितने बढ़ गए भाव। फिर वो बताता है भाव कितने बढ़ गए, ऐसे मतलब पूरा लंबा था। अच्छा बीच में उस सेठ की बेटी भी आती है, थोड़ा बेटी, थोड़ा बेटी का रोल दिखाता हूँ। सेठ जी बैठे हुए, मैं एक बार याद कर क्या था उसमें, हाँ सुनो एंट्री देखिए, बेटी की एंट्री देखिए, हाय डैड। अब उसको सेठ जी को इंग्लिश नहीं आती, डैड समझ में नहीं आ रहा, उसको समझ में आता हरियाणा में एक वर्ड है ढेड़, ढेड़ बोलते हैं उसको जो मर गया हो। तो कहते हाय डैड, सेठ कहता अरे ढेड़, अरे तने भी मैं ढेर नजर आ रहा हूँ, अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी से मर गया। तो मुंशी बोलता है, सेठ जी ढेर नहीं, डैड, डैड, अंग्रेजी में बाप ने डैड का मैं। अरे अंग्रेजी में, अरे हमारी बेटी अंग्रेजी बोले, आजा बेटी आजा, आजा बेटी आजा।
फिर वो उनकी बेटी कहती है, डैड आज मुझे ना एक सोने की चेन मिली। सोने की चेन? लपटी लपटी देते, लपटी लपटी देते, बहुत महंगी हो भाई, बहुत महंगी हो, ला मैं तिजोरी में रख दूँ। लेकिन डैड वो तो मैंने पुलिस में दे दी, वो तो किसी की चेन है, मैंने समझा पुलिस में दे देती हूँ, जिसकी चेन होगी ले जाएगा। उसके बाद सेठ बोलता है, अरे तन्ने इतनी महंगी चेन पुलिस में दे दी, अरे ते बेटी मारी के पुलिस वाला की। फिर वो बोलती है, डैड मेरी कॉलेज की फीस। अरे कॉलेज की फीस? कॉलेज की फीस मेरे से लेगी और सोने की चैन पुलिस में देगी? जा फीस भी वहीं से ले ले। तो ऐसे था, मतलब बहुत हंसी मजाक था उसमें, 20-25 मिनट की थी। तो ये करीब पता नहीं कितने साल पहले की थी, मैं 30-35 साल पहले की बात है, लेकिन डायलॉग अभी भी कुछ कुछ याद है मुझे। अब देखो यहाँ पे, इधर देखो कहीं ये ना रह जाए। आ सकता मुंबई? वो तो गाने गाने पे आना पड़ता है, गाने वाले को आना पड़ता है। अब देखिए इसके आगे, मुंबई तो भाई इंडियन आइडल वाले आएंगे ना। गाना गा दूँ? एक लाइन गा के देख लेता हूँ, गा सकता नहीं, सोच लूँ मैं किसके गाऊँ। या तो वो जो गाना है ना, ए मेरे बिछड़े वतन, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, बहुत पुराना गाना है। उसका बीच में से एक स्टेंजा गा देता हूँ। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्नी सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। इतना याद है। इसका एक स्टंजा और भी है, दो लाइन शायद उसमें भी गा दूं मैं। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। अब बताओ क्या मैं मुंबई आ सकता हूँ? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखिए रिवर्स चार्ज वाली बात। एक सप्लायर है, वो सप्लाई करता है गुड्स की या सर्विसेज की, और वो टैक्सेबल है, वो टर्नओवर है मान लो 50 लाख। तो इन जनरल क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है? करवाना है, ठीक है। सप्लायर है, गुड्स की सप्लाई दे, सर्विसेज सप्लाई दे, और टैक्सेबल है, टर्नओवर 50 लाख है, तो क्या रजिस्ट्रेशन करवाना है? करवाना है। लेकिन इस पर रिवर्स चार्ज लग रहा है, रिवर्स चार्ज जो इसके रिसिपिएंट है टैक्स वो देंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन करवा के क्या करेगा? मेरा टैक्स नहीं देना, उसे चलो तुम माफ़ कर दिया हमने। वैसे तो टैक्सेबल है और टैक्सेबल टर्नओवर है, 40,000 करवाना आपको, लेकिन उसे हमने आपको छोड़ दिया, आपको नहीं करवाना। इसका एग्जांपल मैं भी आपको दूंगा, पहले भी रीड कर लीजिएगा, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है, एज पर नोटिफिकेशन नंबर दिस, ये वाला पैराग्राफ देख। देखो इस नोटिफिकेशन में लिखा है, कोई अगर टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है लेकिन उसमें रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो हम चाहें तो उसे छोड़ सकते हैं। और गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में लिख दिया कि आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। एग्जांपल में क्या है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एडवोकेट, जो एडवोकेट सर्विसेज देता है, टैक्स तो उसके ऊपर है लेकिन उसमें रिवर्स चार्ज लगता है, इसलिए किसी भी एडवोकेट का GST में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। अब इस बात को थोड़ा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
अगर सीए किसी को सर्विस देता है तो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है? टैक्सेबल है। और टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। आर्किटेक्ट, उसका भी ऐसा है। कंपनी सेक्रेटरी, उसका भी ऐसा है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, उसका भी ऐसा है, ठीक है। सारे प्रोफेशनल का ऐसा ही है। तो व्हाट अबाउट एडवोकेट, क्या लगता है आपको, इनका नहीं ऐसा होना चाहिए? इनका भी ऐसा होना चाहिए। एजुकेटेड क्लास है, रजिस्ट्रेशन करने में क्या प्रॉब्लम है, पेमेंट करने में क्या प्रॉब्लम है, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ एडवोकेट को एग्जम्प्ट किया हुआ था, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, बाकी सबका टैक्स। तो बाकी सब लोग कहते थे ये क्या बात बनी भाई, इनको क्यों एग्जम्प्ट किया हुआ है? तो पी चिदम्बरम फाइनेंस मिनिस्टर रहे काफ़ी साल, करीब 15 साल रहे होंगे। तो टीवी वाले जो लोग हैं वो हमेशा उनसे पूछते थे कि सर एक बात बताओ कि ये एडवोकेट का आपने एग्जम्प्ट क्यों किया हुआ है? तो वो मुस्कुरा के चले जाते थे, जवाब नहीं देते थे। तो उन्होंने कहा कि ये जो आप मुस्कुरा रहे हो, इसके पीछे क्या राज है, हम भी ये निकाल के रहेंगे, मानेंगे नहीं। तो अल्टीमेटली वो राज खुल गया। वो राज ये खुला कि भी ये एडवोकेट है, पी चिदम्बरम भी एडवोकेट है, और पी चिदम्बरम साहब की वाइफ भी एडवोकेट है, और पार्लियामेंट के अंदर 350 एडवोकेट है। बिल पास कैसे होगा? मेजोरिटी तो एडवोकेट की है। चार्टर्ड अकाउंटेंट 2 हैं, कंपनी सेक्रेटरी 1 भी नहीं, आर्किटेक्ट 1 भी नहीं, और वकील 350 हैं। तो जब ये प्रपोजल आ जाएगा, वकीलों के ऊपर GST लगा दो, वोटिंग होगी, वोटिंग में पास कैसे होंगे? पार्लियामेंट की जो टोटल मेंबरशिप है वो कितनी है, 545 समथिंग। तो इनके तो इस कारण से इनके ऊपर GST नहीं लग रहा, बिकॉज वो बिल पास ही नहीं होता, और फाइनेंशियल खुद एडवोकेट है। तो ये लगातार इतने सालों तक एग्जम्प्ट रहा, और सारी पब्लिक शोर मचाती रही, उन्होंने एग्जम्प्ट नहीं किया, सॉरी टैक्सेबल नहीं किया, एग्जम्प्ट है। फिर प्रणब मुखर्जी वो बने फाइनेंस मिनिस्टर, वो एडवोकेट नहीं है, नहीं थे, अब तो वह रहे नहीं। तो उन्होंने पार्लियामेंट में साफ साफ बोल दिया, माई प्रेडिसेसर पी चिदम्बरम हैज नॉट इम्पोज GST ऑन सिविल एडवोकेट, आई डो नॉट नो वाई, आई डो नॉट नो वाई मीन्स आई ऑल्सो नो इट वाई एंड पब्लिक ऑल्सो नो इट वाई, आई डो नॉट नो वाई। से इंटरनेशनल मतलब नेशनल लेवल पे, नेशनल TV पर स्टेटमेंट दिया, एंड नाउ आई एम इम्पोजिंग टैक्स ऑन GST ऑन द सर्विस ऑफ एडवोकेट ऑल्सो। और जो भी कांग्रेस के मेंबर थे उनको तो वोट करना ही था, और ये पास हो गया, और इसके ऊपर टैक्स लगा दिया। कुछ टाइम के बाद वो प्रेजिडेंट बन गए, पी चिदम्बरम फिर बन गए फाइनेंस मिनिस्टर। पी चिदम्बरम ने कहा फंस गए, क्या करें, अब ऐसा करो इसको एग्जम्प्ट करेंगे, सारी पब्लिक को नजर आ जाएगा, इसकी लैंग्वेज ऐसी घुमा फिरा के लिखो किसी को कुछ समझ में ना आई क्या लिखा है, उसका अल्टीमेट मीनिंग होगा एग्जम्प्ट है। तो लैंग्वेज एक्ट में लिखी हुई है, मैं आपको रीड करवाऊंगा। जब आप पहली बार रीड करोगे आपको समझ में नहीं आएगा क्या लिखा है, जब इंटरप्रिटेशन करते जाएंगे तो पता लगेगा अरे ये तो एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल का है। फिर एंड में जाके छोटे से एक केस में लिखा है टैक्सेबल है, और वहाँ लिखा है लेकिन रिवर्स चार्ज लगेगा, यानी एडवोकेट को फिर इससे बचा दिया कि या तो एग्जम्प्ट हो जाएगा, और अगर टैक्सेबल होगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, तो एडवोकेट को तो देना ही नहीं, वो तो फिर भी एग्जम्प्ट हो गया। तो उन्होंने इस लैंग्वेज को यूज़ करके एडवोकेट्स को दोबारा बचा लिया, और वो अभी भी ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको किसी ने नहीं छोड़ा, यानी एडवोकेट आज भी कोई GST नहीं देते हैं, बाकी सब देते हैं इनको छोड़ के। तो लैंग्वेज मैं आपको रीड करवाता हूँ, उन्होंने क्या कहा, इट इज़ टैक्सेबल। लैंग्वेज जो लिखी पढ़ के देखो, इट इज़ एग्जम्प्ट, रीड कराता हूँ आपको, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है ना, वो एंट्री भी हम बाद में करने के बजाय पहले करवा देता हूँ, एक एंट्री पहले करवाता हूँ एडवोकेट्स की। पेज नंबर 315, पॉइंट नंबर 5, लीगल सर्विसेज। लीगल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय, अब वो इसको टैक्सेबल बता रहे हैं, पूरा पढ़ना समझना, टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है। अ पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट्स और इंडिविजुअल एडवोकेट्स अदर देन सीनियर एडवोकेट बाय लीगल सर्विस टू एन एडवोकेट और पार्टनरशिप फॉर्म एडवोकेट थ्रू प्रोवाइडिंग लीगल सर्विसेज एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी बिजनेस एंटिटी एग्री टर्नओवर अप टू सच एन अमाउंट द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एज मेक्स एलिजिबल फॉर एग्जम्प्शन फॉर रजिस्ट्रेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी गवर्नमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट एंटिटी, ये लिखा हुआ है, जरा एक बार पढ़ लो पहले आप।
वो क्या कह रहे हैं, एडवोकेट की सर्विसेज टैक्सेबल है, इनको छोड़ करके, 1, 2, 3, 4 को छोड़ करके। जनरल पब्लिक का इंप्रेशन क्या आएगा, अरे ये तो टैक्सेबल है, छोड़ दिया होगा किसी केस में टैक्सेबल है, छोड़ दिया होगा क्या, सभी के केस में छोड़ दिया। मैं कह रहा हूँ कल पूरी क्लास को आना है, तुमको नहीं आना, 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 पूरी क्लास काउंट कर दी, फिर किसको आना है, सबको आना है, लेकिन तुमको नहीं आना है, कौन आएगा, टैक्सेबल है, इनको छोड़ दो और सारे छोड़ दिए, टैक्सेबल का है। लेकिन अल्टीमेटली एक को रोक लिया, छोटा सा, अल्टीमेटली मैंने लास्ट स्टूडेंट को रोक लिया उसको, फिर बाद में उनको कहा तुम्हारी मर्जी है भाई, ठीक है। तो ऐसे लास्ट में रोक के क्या कह दिया, रिवर्स चार्ज लगेगा भाई, यानी एडवोकेट को कुछ मत कहना, वो अपने आप दे देगा, वो देगा, देखो किस किस को छोड़ दिया। इसका मीनिंग मैं बताता हूँ, वो कह रहे हैं भाई अगर कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, वो इंडिविजुअल एडवोकेट को सर्विस दे या एडवोकेट्स की फर्म को सर्विस दे तो ये एग्जम्प्ट है। कोई एडवोकेट्स की पार्टनरशिप फर्म है, वो इंडिविजुअल को दे या फर्म को दे तो एग्जम्प्ट है। कोई एडवोकेट बिजनेस का मैटर नहीं है, कोई और मैटर है तो एग्जम्प्ट है। कोई एडवोकेट बिजनेस के मैटर में देगा, जिसको सर्विस दी है वो अनरजिस्टर्ड है तो एग्जम्प्ट है। यहाँ तक एग्जम्प्ट है, फिर टैक्सेबल आप सोचो जरा कौन बचा। अगर एडवोकेट बिजनेस को देगा और वो रजिस्टर्ड है, ये टैक्सेबल है। तो हम ये भी कह सकते थे सभी केस में एग्जम्प्ट है, इसमें टैक्सेबल है। हम कहते हैं सभी केस में एग्जम्प्ट है तो पब्लिक क्या कहती है, अच्छा एग्जम्प्ट है। हमने कह दिया सभी केस में टैक्सेबल है, इसमें एग्जम्प्ट, पब्लिक क्या कहेगी, टैक्सेबल है। पब्लिक थोड़ा समझेगी इस बात को। तो ये सिर्फ किस केस में टैक्सेबल है, एक एडवोकेट से एक कंपनी ने कंसल्टेंसी ली और कंपनी रजिस्टर्ड है, अब टैक्स लगेगा। टैक्स कौन देगा, कंपनी, एडवोकेट फिर भी देगा। और रजिस्ट्रेशन में क्या लिख दिया, आप रजिस्ट्रेशन से एग्जम्प्ट है, तो आपको रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाना, ये लिखा हुआ है, जरा दोबारा रीड करके देखो। पहले इसका मीनिंग देख लो, यही मीनिंग है ना जो मैं बोल रहा हूँ। एग्जांपल देख लो, मिस्टर एक्स एडवोकेट गिवन सर्विसेज मिस्टर वाई एडवोकेट, इन दिस केस एग्जम्प्ट। मिस्टर वाई एडवोकेट गिवन सर्विस मिस्टर वाई बिजनेस एंटिटी, लेकिन टर्नओवर कितनी है, जितने यहाँ तक के एग्जम्प्ट होता है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। टर्नओवर को प्रेस्क्राइब लिमिट इन द प्रेसिडिंग ईयर, प्रेस्क्राइब लिमिट कौन सी, वही सेक्शन 22 की, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। मिस्टर एक्स एडवोकेट गिवन सर्विस मिस्टर वाई बिजनेस एंटिटी टर्नओवर एक्सीडिंग प्रेस्क्राइब लिमिट, इस केस में टैक्सेबल है। इन दिस केस टैक्सेबल, चाइल्ड जीएसटी रिसिपिएंट शैल पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। तो इस पे 4 नंबर का नोट आता है एडवोकेट सर्विसेज में, इतना पार्ट तो ये बनेगा, कुछ पार्ट आगे और भी है, वो भी अभी करेंगे, पहले इतना पार्ट रीड कर लो, डाउट पूछ लो। एडवोकेट की सर्विसेज इन जनरल एग्जम्प्ट है, टैक्सेबल कब है, जब बिजनेस एंटिटी को दे और वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, तब टैक्सेबल है। वो टैक्स कौन देगा, रिवर्स चार्ज। यहां तक पहले डाउट, हाँ सीनियर वाले का ना नीचे बी पार्ट में है, अभी करेंगे हम बी पार्ट में, देखो लिखा ना सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट को अभी डिस्कस करेंगे। अभी सीनियर एडवोकेट को डिस्कस छोड़ कर किया है, लिखा अदर देन सीनियर एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट बी पार्ट में है, अभी बी पार्ट में डिस्कस करते हैं सीनियर एडवोकेट को। सीनियर एडवोकेट के अलावा कोई डाउट है, देखो सीनियर एडवोकेट के अलावा कोई डाउट, देखो एक्स एडवोकेट है और वाई भी एडवोकेट है, इस वाई एडवोकेट ने एक्स एडवोकेट से सर्विस लिया है, तो ये भी बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, पर्सनल तो है नहीं, बिजनेस एंटिटी, तो क्या इस केस में जीएसटी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं एडवोकेट टू एडवोकेट, अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड की बात ही नहीं है, बिजनेस एंटिटी होने ना होने की बात ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। पर आप बताओ एक एडवोकेट क्या दूसरे एडवोकेट से कंसल्टेंसी लेता है, सोच के देखो, क्या एक सीए दूसरे सीए से सर्विस लेता है, यस पॉसिबल है, ले ले,
तो एग्जाम्पल जाएगा, कैसे पॉसिबल है एग्जाम्पल ले लेते हैं, मिस्टर एक्स पुराना एडवोकेट है, पॉपुलर एडवोकेट है, मिस्टर वाई नया नया एडवोकेट बनाए, पहले दिन रोहिणी कोर्ट में गया, छोटा मोटा कोई केस मिल जाएगा, नहीं पहले दिन ही मर्डर का केस मिल गया। एक बंदा आया कहता जी मैंने मर्डर किया हुआ, मेरा केस ले लो। तो भाई मर्डर का केस तो बड़े बड़े वकील लेते हैं, आसान काम थोड़ा है वहाँ आर्ग्यू करना। इसने कहा जी ले लेते हैं, फीस कितनी, 1 करोड़ रुपया। किसी क्रिमिनल का केस था, लॉरेंस बिश्नोई का केस ले लिया। अब घर में नींद नहीं आ रही कि ये पक्का फांसी पे लटकेगा और मुझे मारेगा। तो रात को किसी बड़े एडवोकेट को फ़ोन किया, राम जेठमलानी को, ठीक है, कपिल सिब्बल को, अभिषेक मनु संघवी को, और बड़े बड़े वकील हैं, और फ़ोन करके क्या कहा, जी मुझे बचाओ। पूरी बात बताई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, केस ले लिया, हम है ना, हम तुम्हें बताएंगे कैसे लड़ना है, हम तुम्हें बताएंगे, तुम लड़ते रहना, हमें उसमें से 95 लाख दे देना, 5 लाख तुम रख लेना। तो सेम प्रोफेशनल से कंसल्टेंसी ऐसे होती है, ये बड़ा कॉमन सी बात है। सीए बने नए नए कि भी इंडिविजुअल की रिटर्न भरेंगे, पहले दिन ही मल्टीनेशनल कंपनी का ऑडिट मिल गया, मल्टीनेशनल का पेमेंट की बात कर ली 20 करोड़ की, ऑडिट आता नहीं, तो कि बड़ी सीएफएम से बात करें वो कहेंगे कोई बात नहीं हम सब कुछ कर देंगे, नाम तुम्हारा रहेगा कर हम देंगे, 20 करोड़ में से ऐसा करना 19.5 करोड़ हमें दे देना, बाकी तुम अपने देना। तो बड़ी कंसल्टेंसी ऐसे होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एग्जाम्प्ट। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट द्वारा रीड कर लो, इसमें डाउट पूछ लो, फिर आगे चलेंगे। हाँ जयंत क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है, देखो रीड करके, पहले इस पार्ट में डाउट पूछ लो फिर दूसरे पार्ट को डिस्कस करें। हाँ जी बोलो जी, डाउट है अंदर? हाँ जी अंदर है कोई डाउट, पूछ ले या तो पूछे, मेरा मानेगा थोड़ा तू। बोलो, खुद ही हंसे जा रहा है, उसको लगता है डाउट बेकार है, क्या करेंगे, कोई बात नहीं, बाकी बच्चे भी हंस लेंगे, बोल तू। दोबारा बोलो, देखो पहले बात कर लेते हैं बिजनेस एंटिटी किसे कहते हैं। एनी पर्सन हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन इज कॉल्ड बिजनेस एंटिटी, ये डेफिनेशन जीएसटी एक्ट में दी हुई। पहले मैं डेफिनेशन रीड करवा दूं तो इनका डाउट अपने आप खत्म हो जाएगा। अगले पेज पे आ जाओ 316 पर, इसको बकायदा एक्ट ने डिफाइन कर रखा है 316 पर। ऊपर की 4-6 लाइनें छोड़ के देखो, बिजनेस एंटिटी बोल्ड करके लिखा है, मीन्स एनी पर्सन कैरिंग आउट बिजनेस। फर्दर द टर्म बिजनेस हैव द मीनिंग एज गिवन इन 272 सीजीएसटी एक्ट, और इस सेक्शन में लिखा हुआ है बिजनेस ऑलवेज इंक्लूड्स प्रोफेशन। जब हम बिजनेस कहते हैं, जीएसटी का ये सेक्शन 2(17) कह रहा है बिजनेस ऑलवेज इंक्लूड्स प्रोफेशन, तो यानी नाम क्या बन गया, बिजनेस और प्रोफेशन एंटिटी, मीन्स कोई भी पर्सन जो बिजनेस चला रहा है वो भी बिजनेस एंटिटी है, और जो प्रोफेशन चला रहा है वो भी बिजनेस एंटिटी है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कंपनी हो, चाहे यूपी हो, चाहे बीवाई हो, कोई भी हो। अब जयंत बताओ आपका क्वेश्चन का आंसर कवर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। बिजनेस एंटिटी मीन्स एनी पर्सन हैविंग बिजनेस और प्रोफेशन, मे बी इंडिविजुअल, HUF, फर्म, AOP, BOI, कोई भी हो। बिजनेस इन GST ऑलवेज इंक्लूड्स प्रोफेशन, तो ये बिजनेस प्रोफेशन एंटिटी लिखने की जरूरत नहीं है, बिजनेस एंटिटी मीन्स प्रोफेशन एंटिटी भी बीच में आएगी, कोई भी हो सब आएंगे, ठीक है। तो कोई बिजनेस एंटिटी है अनरजिस्टर्ड है तो ये एग्जम्प्ट है, बिजनेस एंटिटी है रजिस्टर्ड है तो टैक्स में, टैक्स कौन देगा, बिजनेस एंटिटी अंडर रिवर्स चार्ज, ठीक है। अब देखो सीनियर एडवोकेट, बी पार्ट में आ जाओ, सीनियर एडवोकेट, और सीनियर एडवोकेट बाय वे ऑफ लीगल सर्विस टू एनी पर्सन विद एनी बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी विद एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू सर्टेन अमाउंट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एज इट मेक्स इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन। द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट अथॉरिटी। देखो सीनियर एडवोकेट पहले बताओ कौन होता है, हाँ जी, जो हाईकोर्ट का वकील हो, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं जो सीनियर हो, सीनियर कितना, जितना मर्जी हो, ठीक है, या फिर सुप्रीम कोर्ट का वकील हो, इनमें से कोई मीनिंग नहीं है,
सीनियर का एज से कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन नॉलेज से मतलब है। हाई कोर्ट सेज जो वकील अपने आप को ऐसा समझता हो कि मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, आ जाओ हमारे सामने, तुम्हारी टेस्टिंग करेंगे हम सारे जजेज मिल करके, फुल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट, और आपने सारे जजेस को इन्फ्लुएंस कर दिया, सर्टिफिकेट बना के दे देंगे, यू आर ए सीनियर जज, सो यू आर ए सीनियर एडवोकेट, चाहे तुम्हारी एज 25 साल ही क्यों ना हो। तो सीनियर एडवोकेट का मीनिंग यहाँ बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ सीनियर एज के हिसाब से नहीं है, नॉलेज के हिसाब से है। पूरा फुल बेंच हाई कोर्ट का, इतने जजेस को फेस करना आसान काम नहीं है, अच्छे से टेस्टिंग पूरा पोस्टमार्टम करेंगे तुम्हारा, अगर सेटिस्फाई हो गए सर्टिफिकेट बना तो ही सीनियर एडवोकेट होता है। फिर सीनियर एडवोकेट बनने के बाद अब आप इतने सीनियर हो गए हो तो अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखना, किसी से कोई केस नहीं लेना आपको। किसी से कोई केस नहीं लेना आपको, कोई एडवोकेट आएगा तो उस एडवोकेट के केस को आगे लड़ना है। कैसे? देखिए जयंत एडवोकेट है, छोटा मोटा सीनियर नहीं, इसने केस ले लिया मर्डर का, ठीक है। अब ये केस आगे पहुँचते पहुँचते लास्ट स्टेज पे पहुँच गया, तब ये किसी सीनियर एडवोकेट से बात करेगा कि जी मेरा केस यहाँ तक आ गया है, फाइनल स्टेज पे है, मेरा केस लड़ दो। तो सीनियर एडवोकेट किसको सर्विस देता है? एडवोकेट को, ना कि क्लाइंट को। तो वो वहाँ जाएगा और लास्ट की जो आर्ग्यूमेंट है वो करके आएगा। और सीनियर एडवोकेट जैसे मान लो कोई केस चल रहा है तो वहाँ से सीरियल नंबर से केस चलते हैं, सीनियर एडवोकेट को जज पहले बुला सकता है। सीनियर एडवोकेट कहेगा जी मैं बिजी हूँ, बाकी के छोड़ के पहले मेरा टेकअप कर लो, तो पहले टेकअप कर लेंगे, उसको प्रायोरिटी मिलेगी। फिर वो कहेगा जी मेरे चार असिस्टेंट भी आएंगे मेरे साथ, आ जाओ नहीं तो आपके आप असिस्टेंट भी आ रहे दो। बाकी एडवोकेट से उसको प्रिविलेज रहती है, वो ग्रुप के साथ आ सकता है और साथ में सबसे पहले भी मिल सकता है, सारी मतलब प्रायोरिटी उसको मिलेगी क्योंकि वो बिजी पर्सन है। लेकिन गवर्नमेंट से आप क्लाइंट से बात मत करना, जो स्टार्टिंग का काम तो कोई भी एडवोकेट कर लेगा, वो आपके लेवल का नहीं है। स्टार्टिंग का काम मतलब प्रिंट बनाना, फिर उसका रिटर्न स्टेट WS आना, फिर उसका एप्लीकेशन देना, प्लीडिंग्स पूरा करना, ये कोई भी कर देगा। फिर उसके बाद इश्यूज फ्रेम करना हो जाएंगे, फिर एविडेंसेस, फिर लास्ट में आर्ग्यूमेंट, तो वहाँ पे आना। तो जितने भी ये सीनियर एडवोकेट हैं ये हमेशा लास्ट में जाके लड़ते हैं और पूरे ग्रुप में लड़ते हैं। जैसे अभी एक सोशल मीडिया पे डला हुआ है, यूट्यूब पे सुप्रीम कोर्ट का डला हुआ है, उसमें 5 एडवोकेट आर्ग्यू कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन्होंने कहा भी पहले बताओ आप में से 5 में से मेन कौन है। उन्होंने कहा जी हम 5ों मेन हैं। तो फिर भी कहते नहीं सर, जैसे रावण के 10 सर नहीं थे ऐसे ही है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ आप में से मेन रावण कौन है। तो एनीवे मतलब उनके साथ थोड़ा सा जजेस जो है लीनियंट रहते हैं, प्रायोरिटी भी देते हैं, बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नॉलेज वाले पर्सन है। तो इसमें पॉइंट अब देखो क्या लिखा है, देखो क्या लिखा। सीनियर एडवोकेट किसी भी पर्सन को सर्विस देगा बिजनेस एंटिटी को छोड़ के, तो बेसिकली तो वो एडवोकेट्स को ही देते हैं, लेकिन लिखा है सबका हुआ है। तो बिजनेस एंटिटी को छोड़ के किसी को देगा तो वो एग्जम्प्ट रहेगा। पहली बात तो किसी को देते ही नहीं है, ये देते ही एडवोकेट के, और एडवोकेट अपने आप में बिजनेस एंटिटी है, प्रोफेशन तो उसका भी है। अब बिजनेस एंटिटी को दे रहा है लेकिन अनरजिस्टर्ड है तो भी उससे कोई टैक्स नहीं लगेगा, और अगर वो रजिस्टर्ड है यानी कोई एडवोकेट है जिसकी अपनी टर्नओवर 20 लाख से ज़्यादा है और वो सीनियर एडवोकेट से सर्विस ले रहा है, तब उस एडवोकेट को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और सीनियर एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा और टैक्स वो एडवोकेट देगा रिवर्स चार्ज में और किसी केस में नहीं लगेगा। देखो जरा कैसे, सीनियर एडवोकेट, एडवोकेट क्लाइंट, एडवोकेट ने क्लाइंट को सर्विस दी 25 लाख रुपए की, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। ये अगर एग्जम्प्ट में आ रहा तो भी नहीं चाहिए और ये टैक्सेबल में आ रहा तो भी नहीं चाहिए। टैक्सेबल में आएगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, एग्जम्प्ट पे तो एग्जम्प्ट है ही। क्लाइंट में भी घर का झगड़ा है पर्सनल तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्लाइंट रजिस्टर्ड है बिजनेस का है, टैक्सेबल हो जाएगा लेकिन रिवर्स चार्ज लगेगा। जो ऊपर वाला पॉइंट था वो ये था। दोबारा फिर देख लो, एक एडवोकेट थे, क्लाइंट मिस्टर एक्स ने कंसल्टेंसी ली, जी हम 2 भाइयों का झगड़ा है, मेरे फादर की बिल्डिंग है, वो कह रहा मेरा हिस्सा है सारा, सारा कैसे है, आधा मेरा भी है, क्या केस हमारा लड़ोगे? लड़ेंगे। कितनी फीस लेंगे? 10 लाख। क्या ये GST में एग्जम्प्ट है कि टैक्सेबल है? एग्जम्प्ट, क्योंकि ये कोई बिजनेस मैटर नहीं है, ये बिजनेस एंटिटी का मैटर नहीं है, ये अदर देन बिजनेस एंटिटी का मैटर है, करेक्ट। अब ये पर्सन कह रहा है मेरा ट्रेडमार्क का झगड़ा है, ट्रेडमार्क, मेरे ट्रेडमार्क पर किसी और ने कब्जा कर लिया, मैंने हाई कोर्ट में सूट फाइल किया है, क्या मुझे सर्विसेज दोगे? देंगे। क्या आप रजिस्टर्ड हो? यस रजिस्टर्ड हो, मेरा केस ले लीजिएगा। मैंने कहा कि मैं रजिस्टर्ड हूँ और ट्रेडमार्क का मेरा डिस्प्यूट है, मैंने पहले बताया था, हाई कोर्ट में है, सर्विसेज मुझे चाहिए, मिल जाएगी, मिल जाएगी। तो क्या ये टैक्सेबल है? यस टैक्सेबल है, टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा रिवर्स चार्ज में, करेक्ट।
अब ये मैटर आगे पहुंच गया, इस एडवोकेट ने कहा जी मैटर बहुत सीरियस हो गया, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैंने किसी सीनियर एडवोकेट से बात की है, वो लड़ेगा, उसको जो फीस देनी है मैं दूंगा, आपसे मैं लूंगा, उसको मैं दूंगा। तो इन्होंने इसको फीस दिया है मान लीजिए 15 लाख रुपए की, अब टैक्स कौन देगा? अब इन्होंने सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दी है क्योंकि एडवोकेट बिजनेस एंटिटी है, और टर्नओवर मैं कह रहा हूँ इसकी ऑलरेडी 20 लाख क्रॉस कर गई है, अब इसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, और सीनियर एडवोकेट का जो पेमेंट है उस पर GST इस एडवोकेट को देना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद सीनियर एडवोकेट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, ये मीनिंग है इसका, बताओ क्लियर हो क्यों? अब दोनों पार्ट एक बार वो रीड कर लो, फिर इसमें जो क्लियर नहीं हो बताना, और फिर मैं एक्सप्लेन कर दूँ। दोबारा बताऊं या मन भर गया? देखो एडवोकेट, दोबारा बता रहा हूं सारा, दोबारा बता रहा हूं, एडवोकेट एक एक्स कंसल्टेंसी लेने आया, एक वाई, वाई मतलब मैं, एक्स के दो भाई हैं, एक्स से छोटे भाई का नाम क्या लिखूं? नोन एक्स, वो कह रहा नोन एक्स, नोन एक्स कर देता हूँ, एक्स एंड नोन एक्स, दो भाई है। फादर ने बिल्डिंग बनाई, कितने करोड़ की करूँ? 6 करोड़ की। नियत किसकी ज़्यादा ख़राब होती है, छोटे भाई की बड़े भाई की? बड़े भाई की। मान लो बड़ा भाई, बड़ा भाई छोटे को चला रहा है, ठीक है? अब जो भी घर में बड़े हैं छोटे हैं ध्यान रखना, छोटे भाइयों को चलाना नहीं है, छोटे भाई बहन को नहीं चलाना होता है, सिखाना समझाना है, चलाना नहीं है, ठीक है? बड़े भाई ने सोचा इसको क्या पता, मैं हाउस पार्टी वाला एग्जांपल दूंगा, मैंने दिया हुआ है पहले। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को कहा, देख तू तो कर रहा है CA, सारे दिन काम में बिजी रहता है, मैं हूँ खाली। मेरे को फादर ने एक दिन बुलाया था, याद आ गया एग्जाम्पल, और ये कहा था सारी प्रॉपर्टी तुझे दे दी है, क्योंकि छोटे वाला तो CA कर रहा है, अपने आप अपना देख लेगा, उसकी चिंता नहीं, मैं तेरी चिंता है। तो उसने कहा पापा ने मुझे भी एक दिन बुलाया था और ये कहा था बड़े वाला तो नालायक है, तू समझदार है, तू सारी प्रॉपर्टी संभाल, और ऐसे डिस्प्यूट हुआ दोनों का। अब ये दोनों पहुँचे एडवोकेट के पास, एडवोकेट के पास पहुँचा मान लो मिस्टर एक्स या नॉन एक्स कर लो, उन्होंने कहा जी फीस लगेगी 25 लाख, केस मैं तुम्हारा लड़ूंगा, तो बताइए GST एप्लीकेबल और नॉट? क्योंकि ये बिजनेस या प्रोफेशन का मैटर नहीं है भाई, ये तो नॉन बिजनेस एंटिटी का है, पर्सनल मैटर है, कौन से कोई GST लगेगा, छोड़ो जंप किया, बात ही खत्म हो गई। बताओ टैक्सेबल के एग्जाम, बोलो टैक्सेबल के एग्जाम, टैक्स कौन देंगे? हम, रिवर्स चार्ज। क्या मैं 37(1) में खर्चा पेनल पर डेबिट कर सकता हूँ कि नहीं? क्या सेक्शन 37(1) में जयंत एडवोकेट के चार्जेस पेमेंट में डेबिट कर सकता हूँ कि नहीं? कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब जब ये आगे पहुँचा तो सीनियर एडवोकेट कहेगा भैया मुझे 15 लाख रुपये दो, कौन देगा? एडवोकेट, नॉट क्लाइंट, फिर एडवोकेट क्लाइंट से ले लेगा। तो सीनियर एडवोकेट एडवोकेट के बीच में टैक्स कौन देगा? पार्टी तो दो ही हैं, तो कौन से टैक्स? एडवोकेट देगा। अब एडवोकेट रजिस्ट्रेशन करवाएगा और टैक्स दे देगा, बस। अब आप आराम से रीड कर लो, बट आउट देखो रीडिंग लेके दोनों पार्ट की। अब ये गवर्नमेंट वाली बात दोनों में लिखी हुई है,
गवर्नमेंट से सारे एडवोकेट सुन लो, हमें सर्विस दोगे कोई टैक्स नहीं है, हम रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड ये वो कोई बात नहीं है, हमारे केस में कोई टैक्स नहीं है। एग्जाम्पल देखो, मिस्टर सीनियर एडवोकेट गिवन सर्विसेज मिस्टर वाई एडवोकेट इन दिस केस एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी प्रोवाइडेड टर्नओवर मिस्टर वाई इज नॉट एक्सीडिंग प्रिस्क्राइब्ड लिमिट इन द प्रीसीडिंग ईयर अदरवाइज इट टैक्सेबल मिस्टर वाई विल पे टैक्स इन द रिवर्स चार्ज इन दिस केस नो स्पेशल एग्जम्प्शन अदर एडवोकेट रिसीविंग सर्विस क्योंकि एडवोकेट खुद भी तो बिजनेस एंटिटी है ना, तो सीनियर एडवोकेट के केस में टैक्स कौन देगा? एडवोकेट। देखो डाउट्स पहले यहाँ तक, अगले पेज पे दो एग्जांपल हो रहे हैं, रीड कर लो, क्लियर है, कोई एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं। अब इसमें एक एस्पेक्ट और भी है, एक एडवोकेट को हो गया ना सीनियर एडवोकेट, एक और है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। देखिए क्या है ये, वो 316 पेज पर, पर्सन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू पर्सन बिजनेस एंटिटी, कोई जीएसटी नहीं है, बिजनेस एंटिटी एग्री टर्नओवर अप टू सच अमाउंट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मेक्स एलिजिबल फॉर एग्जम्पशन, कोई जीएसटी नहीं है। नहीं, अगर वो रजिस्टर्ड है तो है, अनरजिस्टर्ड तो नहीं है, ठीक है, रजिस्टर्ड में है अनरजिस्टर्ड में नहीं है, उसके बाद गवर्नमेंट के केस में नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता क्या है, अभी बात करते हैं, एक बार रीड कर लो आप आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। देखिए कोर्ट के अंदर क्या है, जैसे दो पर्सन का डिस्प्यूट है एक्स वाई, देखो एक्स झगड़ा कर रहा है वाई से, तो एक्स को पूरी बात पता है, पूरी बात वाई को भी पता है, तो दो ऐसे पर्सन जिनको पूरी बात पता है वो तीसरे पर्सन से कहते हैं फैसला कर दो जिसे कुछ नहीं पता। वो जज कह रहा है मेरे पास क्यों आए भाई, तुम्हें सारी बात पता है, आपस में समझौता कर लो ना बाहर, अब मुझे आके बोलते रहना मुझे समझ में कुछ नहीं आएगा, मैं फिर कुछ भी ऑर्डर पास कर दूँ, मैं मानना पड़ेगा। तो दोनों के माइंड में रिस्क भी है कि यार ऐसे बंदे के पास पहुँच गए जिसे पता कुछ नहीं, पता नहीं है क्या फैसला दे दे, इसके फेवर में कि उसके फेवर में, गड़बड़ सकती है ना। तो इसलिए ज़्यादातर कोर्ट क्या कहती है, भाई ऐसा करो दोनों जाओ बाहर, यहाँ से निकलो बाहर, और हमने एक पर्सन को बिठाया हुआ है बाहर, मीडिएशन मीडिएटर बोलते हैं, वहाँ जाके आपस में फैसला कर लो, फैसला करके आ जाओ, जज साइन करके स्टैंप लगा देगा, पक्का हो जाएगा। हर केस के अंदर पहले यहाँ जाना, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन, बिचौलिया, बिचौलिया वर्ड तो आप सुनते हैं ना, जैसे हम तीन फ्रेंड्स हैं, एक जयंत, एक ये और एक मैं, तीन फ्रेंड, तो हमारे बीच की सारी बातें तीनों को पता है, झगड़ा मेरा जयंत का हुआ तो इसको हमने बिचौलिया बना दी, पता इसे भी है भाई जो ये कहेगा मान जाएंगे, ये तो ठीक हो गया ना मीडिएटर, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मीडिएटर वो पर्सन है जिसको कुछ नहीं पता, प्रगो से हमें क्या पता भी हम क्या करें, या तो आप आपस में किसी को बना लो मीडिएटर, हम उसको ही मान जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोर्ट है ये बेसिकली कोर्ट नहीं है, ये जो मीडिएटर है इसको बोलते हैं आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, खाली ट्रिब्यूनल कहेंगे तो कोर्ट है, कोर्ट और ट्रिब्यूनल एक ही बात होती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहेंगे, आर्बिट्रेटर कौन होता है, बिचौलिया, आर्बिट्रेटर, ठीक है। मध्यस्था, मध्यस्था करने वाला, जो टेक्निकल नेम इसका एक्ट में दिया हुआ वो लिखा मध्यस्था केंद्र, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। आप देखना दिल्ली में जहां जगह इसके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं कि अगर आपका झगड़ा हो गया आप मध्यस्थता केंद्र आओ, कोर्ट की बजाय हम आपका समझौता करवा देंगे, और वो समझौता फिर मानना पड़ेगा क्योंकि उसके ऊपर ये पर्सन गवर्नमेंट की तरफ से पॉइंट होता है, मानना पड़ेगा। तो ये जो हम डिस्प्यूट यहाँ लेके गए, इन्होंने हमारा समझौता करवाया, तो क्या ये पैसा लेंगे? गौर से देखो, अगर बिजनेस एंटिटी नहीं हो तो नहीं लेंगे, बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड हो तो अगर लेंगे भी तो जीएसटी नहीं लगेगा, और बिजनेस एंटिटी तब भी वैसे तो लेते नहीं है, छोटा मोटा लिया भी तो नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप बिजनेस एंटिटी हो और रजिस्टर्ड हो और पैसा लिया तो जीएसटी लगेगा। अब जीएसटी कौन देगा? बिजनेस एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड है, यानी कंसेप्ट तीनों में सेम ही है। एक बार रीड कर लो फिर बचे डाउट।
देखो जो होल्डिंग है ना दिल्ली में लगी हुई, उसमें लिखा हुआ है मध्यस्थता केंद्र में आइए, आपका झगड़ा या तो निःशुल्क या मामूली शुल्क लेकर सुलझाया जाएगा। निःशुल्क तो बात खत्म हुई, जीएसटी नहीं है, लेकिन अगर मामूली शुल्क लगा तो उस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी है तो जीएसटी नहीं लगेगा, बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है नहीं लगेगा, बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड है लगेगा, कौन देगा? बिजनेस एंटिटी अंडर रिवर्स चार्ज। बस तीन पार्ट है इसके, चार नंबर का नोट आता है, लेकिन सर इसमें तीनों पार्ट लिख देना, तीनों पार्ट को रीड कर लो, तीनों पार्ट में डाउट पूछ लीजिए। अब बॉक्स में देखो, एग्जांपल बॉक्स में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी मिस्टर ए को, बोलिए टैक्सेबल के एग्जम्प्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी लिखा नहीं हुआ। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने सर्विस दी एबीसी लिमिटेड को, टर्नओवर पिछले साल किया 8 लाख, एग्जम्प्ट, आर्बिट्रल ने एबीसी को टर्नओवर पिछले साल किया 45 लाख, टैक्सेबल, टैक्स कौन देगा? रिवर्स चार्ज, ठीक है। मिस्टर ए एडवोकेट ने मिस्टर बी एडवोकेट को दी एग्जम्प्ट, मिस्टर ए एडवोकेट ने किसी मिस्टर बी को दी बिजनेस एंट्री रजिस्टर्ड नहीं है ये, एग्जम्प्ट। इंडिविजुअल एडवोकेट ने एबीसी लिमिटेड को दी टर्नओवर 7 लाख, एग्जम्प्ट। पार्टनरशिप फर्म ने एबीसी को दी 43 लाख, टैक्सेबल। अब आप सारे में डाउट पूछ लीजिए, चार नंबर का पैट नोट है इसका, लीगल सर्विसेज का, इसके ऊपर लिख लीजिएगा ऑलरेडी कवर्ड, द्वारा हम कवर नहीं करेंगे, सारे को रीड करके डाउट पूछ लीजिएगा। अब इसमें जो लिखा ना रिवर्स चार्ज में, तो रिवर्स चार्ज से भी एंट्री रीड करवा देता हूँ, वहाँ भी लिखा हुआ है, ताकि रिवर्स चार्ज की भी वो एंट्री हमारी कवर हो जाएगी। सेम पार्ट रिवर्स चार्ज में आइए, पेज नंबर 285, पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3, लीगल सर्विसेज, रिवर्स चार्ज शैल बी अपेयर इन केस ऑफ लीगल सर्विस प्रोवाइड बाय इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग ए सीनियर एडवोकेट और फर्म ऑफ एडवोकेट्स, सर्विस गिवन टू एनी बिजनेस एंटिटी जो कि रजिस्टर्ड हो, तो जिसको मिलेगा वो देगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में भी ऐसा है, रिवर्स चार्ज शैल बी अपेयर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल गिवन सर्विस टू एनी बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। इलस्ट्रेशन देखो, वकील एंड वकील, फर्म ऑफ लॉयर्स रेंडर लीगल सर्विस मिस्टर बी आर्किटेक्ट एंड MNO लिमिटेड एडवाइजिंग एजेंसी ड्यूरिंग December 22, हु इज लायबल टू पे जीएसटी इन दिस केस, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिस्टर बी एंड MNO लिमिटेड सोट लीगल एडवाइस फ्रॉम मिस्टर ए आ लॉयर, ठीक है। एग्रीगेट टर्नओवर बी एंड MNO लिमिटेड आर एक्सीडिंग द प्रेस्क्राइब लिमिट, लिमिट दोनों की क्रॉस कर रही है, एक मिस्टर बी एडवोकेट है और एक MNO लिमिटेड है, ठीक है। लेट्स सी द आंसर, इन केस ऑफ एक्सेस बी प्रोवाइड टू एनी बिजनेस एंटिटी बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट फॉर्म ऑफ एडवोकेट बाय लीगल सर्विसेज पर्सन लायबल टू पे जीएसटी द पर्सन ही सर्विस प्रोवाइडेड वो रजिस्टर्ड हो, फर्दर सर्विसेज प्रोवाइड बाय एन इंडिविजुअल एडवोकेट पार्टनरशिप एडवोकेट बाय लीगल सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टर्नओवर टू प्रेस्क्राइब लिमिट ऑफ प्रीसीडिंग ईयर आर एग्जम्प्ट, इन द गिवन केस टर्नओवर सर्विस ऑफ मिस्टर बी MNO लिमिटेड आर मोर देन द प्रेस्क्राइब लिमिट इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर लीगल सर्विस प्रोवाइड बाय वकील फॉर एडवोकेट मिस्टर ए ड्यूरिंग दिस विल बी टैक्सेबल बिकॉज दोनों ही बिजनेस एंटिटी है, दोनों ही रजिस्टर्ड है, टैक्स लग जाएगा। देयरफॉर जीएसटी विल बी पेबल अंडर बाय सर्विस रिसीवर मिस्टर बी MNO रिस्पेक्ट ऑफ वेदर लीगल सर्विस फ्रॉम दिस फ्रॉम लॉयर ऑफ फॉर्म और ए से लो या फॉर्म से लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन बात तो है लेने वाला कौन है, देने वाले से फर्क नहीं पड़ता, लेने वाले से फर्क पड़ता है, ठीक है। डाउट देख लीजिएगा आप, इसके साथ इलस्ट्रेशन थर्ड दे रखा है ना, ये सेम ही है, ये थर्ड वाला एग्जाम में आया था, ये इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, इलस्ट्रेशन 2 ये मॉड्यूल में है, थर्ड वाला एग्जाम में आया था, उन्होंने इसको कॉपी करके नाम बदल दिया, बस 100% सेम है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ये मॉड्यूल में है, नाम बदल दिया, क्वेश्चन सेम है। अब बताइए डाउट्स यहाँ तक, इस एंट्री 2 लीगल सर्विस और 3 दोनों में लिख लीजिएगा ऑलरेडी कवर्ड।
जब दोबारा आएगा तो मैं करवाऊंगा नहीं, लेकिन आपसे पूछूंगा मैं कि उसमें क्या था, 2 और 3। हाँ जी, अब डाउट बताइए यहाँ तक। हाँ जी उर्वशी, डाउट बताओ, डाउट बताइए। अब देखिए आगे, तो एक बार जरा देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन में हमने क्या किया क्या नहीं किया, एक बार देख रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया, ये भी ना देखें क्या किया क्या नहीं किया। 148 पेज कवर हो गया, बस चेक करके बता दो मुझे। तुम भाई बुक बंद करके अंदर बैग में डाल के बैठ गए और मोबाइल हाथ में लेके घूम रहे थे पहले। अब नहीं, जब ये ब्रेक ख़त्म हुआ था, जब क्लास स्टार्ट, याद आया मोबाइल था तुम्हारे हाथ में, बुक रखो हाथ में, पेज नंबर 148 देख लो, हो गया ना ये 149 हो गया। हमने 150 पर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करना है ना, यहाँ तक तो हो गया ना, तो 3 से फिर स्टार्ट कर लेंगे अगली क्लास में, इतना कर लेते हैं अभी, बाकी अगली क्लास में कर लेंगे। जितना किया है सारा याद करके आना, वो याद होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू।